نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وأملا متقبلا آمين ثم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسير سورة سبا مكي سورة 6 رقوات 54 آيات तरतीब के एबार से थ फोर्थ नंबर पर आने वाली ये सूरत इस सूरत का नाम आयत नंबर पंद्रह का फकर जिसमें अला सुबहाना तौम सबा का तस्करा किया है उस हवाले और मुनासिबत से इस सूरत का नाम जमान नजूल आ, अगर देखने से पहले हम देखें तो ये बात दोहरा लीजिए कि यहाँ से कुरान की सूरतों का पंद्रव पाँचवा ग्रुप फिफ्टीन ग्रुप जो है उसका आगाज़ हो रहा है चौथे ग्रुप का इतहा जो है वो मदनी सूरत सूर्य एज़ाब पर हुई और अब सूरह एज़ाब के बाद यहाँ से सूर्य सबा से लेकर सूर्य आगे तेरह मक्की सूरतें जो हैं उनका सिलसिला जारी रहेगा और फिर तीन मदनी सूरतें तो ये पूरी के पूरी सिक्सटीन सूरतों का ये ग्रुप, ये सूरतों का पांचवा ग्रुप है कुरान की सूरतों में ज़माने नजूल अगर हम देखें तो मदीना का सेकंड और मुतवस्त दौर जो है इसमें यह सूरत नाजिल हुई पहले दौर के बिल्कुल इंतहम में और मुतवस्त दौर के आगाज़ में नाजिल होने वाली आयात हैं मजमून और मौजू खुलासा जो इस सूरत का है वो इस हवाले से के ने मक् कुफ़ार मक् जो रसोल वम पर मुखालफत और, और नुकतची कर रहे थे उनके एतराजा का जवाब दिया गया है नफ़ी की गई है तरदीद की गई है रसालत के दलायल दिए गए हैं और साथ ही उनको ये तंबी की गई है कि वो रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम जिनकी तुम मुखालफत कर रहे हो वो जल्द तुम पर गालिब आ जाएंगे और वो फाते हो जाएंगे और इसी तरह इसमें हज़रत दाऊद और हज़रत सलीमान को जो नेमतें दी गई हैं उनका तस्करा जो है वो बताया गया है और कौम सभा की मिसाल भी दी गई है अगर मैं मज़मून का खुलासा बताऊँ तो सूरा सभा में अल्लाह अला ने एक बड़े जाम तरीके से अपनी ज़ात अपनी सिफात इख्तियार अपनी नेमतों का तारफ़ करवाया है और अपनी पहचान करवाने के बाद ये बताया है कि ये जो सारी मेरी तख्लीक और मखलूक है ये सब इनको अल्लाह के ताबे फरमान रखा गया मुसखर कर दिया गया है वो जो तस्वुर है ना ये सब है तुम्हारे लिए और तुम हो अपने खुदा के लिए ये तस्वुर समझाया गया है और ये तस्वुर समझाने के बाद अल्लाह जबाना ताली ने जो चार बुनियादी तस्वुरा इसमें वाजे करने की कोशिश की है अपना तारुफ़ करवाने और अपनी पहचान करवाने के बाद अल्लाह ने इस बात का मुतालबा किया कि मेरी पहचान और तारुफ के बाद कसरत से मेरी हम दो सना यानी कसरत से ज़िक्र किया करो और फिर अपना तारुफ करवाते हुए अपनी नेमतों का तस्करा करते हुए ये अल्लाह ने मुतालबा किया कि जो नेमतों से मैंने तुम्हें मालामाल है तो जिक्र के साथ फिर क्या किया करो बहुत ज़्यादा अल्लाह की नेमतों का इतराफ़ और शुक्र किया करो आप शुक्र के बाद ये रुदाद कि जब इतनी नेमतों से मालामाल किया है तो अल्लाह के एहसान और शुक्र की शक्ल में फिर अल्लाह की पहले से ज़्यादा अतात और अल्लाह की अतात पर सब्र से जमे और डटे रहा करो अपनी पहचान करवाने के बाद अल्लाह ने यह भी कहा कि मेरी किबरियाई की पहचान पाने के बाद क्या करो तकबर और घुमंड से बच के ज़िंदगी में आजी और इनके सारी के साथ ज़िंदगी गुजारा करो तो ये चार तस्वुर यहाँ पर सिखाए गए हैं ज़िक्र शुक्र सब्र और तकबर की नफ़ी आगे चलने से पहले आपको बता दूँ कि ये चार गोया ऐसे जैसे जन्नत की सीढ़ी के जीने हैं जन्नत क़ुरान में अल्लाह मुतारफ़ करवाता है ना कि ये बुलंद और बाला मकाम है तो किसी भी बुलंद मकाम पर चढ़ने के लिए सीढ़ी ज़रूरी होती है तो जन्नत में चढ़ने वाली सीने के जो पहले चार जीने फोर रंग्स टू द टू द लेटर टू जन्ना ये क्या है ये पहले चार जीने हैं और आपको मालूम है कि किसी सीढ़ी पर भी पहले चार जीनों को छोड़ के ऊपर चढ़ना मुमकिन नहीं एक दो जीने छोड़ के डायरेक्टली तीसरे जीने पर चढ़ना तो शायद मुमकिन हो जाता है लेकिन अगर कोई ये कोशिश करे जवान से जवान और ताकतवर से ताकतवर कि मैं पहले तीनों स्टेप्स या जीने छोड़ के डायरेक्टली मैं पाँचवें के ऊपर चढ़ जाऊँगा तो शायद सीढ़ी पर ऊपर पहुँचना मुमकिन होगा तो ये इनतहा नामुमकिन और इम्पॉसिबल है तो ये चार जीने हैं जन्नत की सीढ़ी के दोहरा लीजिए वही जो हदीस ने फरमाया कि बख तरीन है वो शख्स जिसको चार नेमतें मिल गईं ज़ाकिर ज़बान शाकिर दिल साबिर जिसम और दीन के मददगार रजवाज और यहाँ पे चौथी सीढ़ी का जीना क्या है तकबर की नफी और जिंदगी में आजी और इनकसारी को रज करना तो ये बुनियादी मजमून है इसके लिए हजरत सलैमान दाऊद अलैहिस्सलाम जो ज़ाकिर शाकिर साबिर थे उनकी रुदान और फिर ये कि कैसे उनको ईमान और फ़ला नसीब हुई और फिर एक और कौम हजरत अलैहिस्सलाम के दौर ही की कौम कौम सभा की रुदान जो नेमतों से माला माल तो थी लेकिन ना उसने ज़िक्र किया ना शुक्र किया तो कैसे नाकाम और ना मुराद हुई और ख़सारे से दो चार हुई बिसम लाइम अलहदल क़ुरान की पांच सूरतों का आगाज़ इस अल्हम्दुलिल्लाह के कलमे के साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा उन चारों चीज़ों की तरबियत करता है जिसकी अभी मैंने सूरत के ख़ुलासे में तस्करा किया अल्हम्दुलिल्लाह क्या है सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं तो कसरत से ज़िक्र की तरबियत और याद दिखानी कोई हमारी कोई बहुत खूबसूरत सी चीज़ देखता है हमें कोई नेमत मिलती है और हमें मुबारक देता है तो हम क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो गोया अल्हम्दुलिल्लाह का कलमे की दूसरी तरबियत शुक्र की तरबियत है कोई परेशानी है कोई बीमारी है कोई तकलीफ़ है कोई अहवाल पुरसी करे तो हम क्या कहते हैं अल्हदल्ला ये क्या है ये सबर का तकाजा है और फिर कोई बहुत बड़ी कामयाबी कोई तरक्की कोई बहुत बड़ी सक्सेस जब मिलती है और लोग कोई मुबारक दें तो फिर हम क्या कहते हैं मेरा कमाल है मेरी मेहनत और सही है हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये मेरा कमाल नहीं है ये मेरे अल्लाह की देन है ये आजी की आजी की तरबियत है और तकबर की नफ़ी का तरीका है तो ये पहला कलमा गोया शुरू ही सूरत में दोहरा दिया गया सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ का मालिक है आख़रत में भी उसी के लिए खम्द है वो दाना और बाखबर है जो कुछ ज़मीन में जाता है यानी कितना बाख़बर है जो कुछ ज़मीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है वो हर चीज़ को जानता है वो रहीम और गफूर है ज़मीन के अंदर क्या क्या कुछ जानता है जिसको अल्लाह सब जानता और जिसकी इल्म में ज़मीन के अंदर बहुत सा आसमान से बारिश बरसने वाला पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जजब हो जाता है ज़मीन के अंदर जाता है फिर किसान जब दहकान कोई फ़सल लगाता है या वैसे ही दरख्तों के और पौधों के बीज फैलते हैं तो वो बीज ज़मीन के अंदर जाते हैं कीड़े मकौड़े हषरातलअर्स और फिर बहुत से बहुत से जानवर मसलन साँप हैं कैचवें हैं तो ज़मीन पर चलने वाले रीगने वाले जानवर हैं वो अपनी अपनी बिलों में ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं फिर ज़मीन के अंदर बहुत से मदनियात अल्लाह के हुक्म से दाखिल किए जाते हैं बहुत से जवाखिर बहुत से खजाने, इंसान उस दौर में जब बैंक्स नहीं थे और ये सब कुछ लॉकर्स नहीं थे तो सारे लोग अपने ख़ज़ानों को ज़मीन ही में मदफ़ून करते थे और फिर लोग अपने प्यारों की मैयतों को भी कब्रों के हवाले करके ज़मीन के नीचे ही दफन करते हैं तो अल्लाह के में हर वो चीज़ जो ज़मीन के नीचे है वो अल्लाह के इल्म है और फिर जो ज़मीन से निकलता है वो सब अल्लाह के इल्म क्या क्या निकलता है ज़मीन में कहीं चश्मे निकलते हैं कहीं फवारे निकलते हैं कहीं झरने बहते हैं कहीं पानी ज़मीन की सतह पर नदी नालों सूतों की शक्ल में बहता है और फिर ज़मीन में से निकलती हैं बहुत से छोटे छोटे नन्ने नन्ने बीजों में से उनकी कोंपलें निकलती हैं और फिर खेतियां लहलहाती हैं उन पौधों में से और उन किसानों की कोशिशों में से और ज़मीन में से जिन ख़जाने मतफून हैं वो अपनी ज़रूरतों हाजतों के लिए अपने दफनाए हुए ख़जाने भी निकालते हैं फिर अल्लाह की तरफ से ज़मीन में जो पोशीदा मदनियात हैं वो निकलती हैं कहीं कोयले के कान में से कोयला निकलता है नमक की कान में से नमक निकलता है कहीं ज़मीन के नीचे से तेल निकलता है कहीं गैस निकलता है पूरी की पूरी मादनियात की एक फहरिस्त है हीरे जवरात सोने चांदियों की एक फहरिस्त है ये सारे के सारे इसबाब और मादनियात ये ख़ायर कुदरती ज़मीन में से निकलते हैं और फिर ज़मीन में से क्या क़्यामत के दिन नोफिकज़ा मिनल जुदासीला रबसलून मैतों को ज़िंदगी बात मौत इन मुरदों को ज़मीन से अल्लाह के हुक्म से निकाला जाएगा कि सब अल्लाह के इल्म हैं आसमान से क्या क्या उतरता है बिजली कड़क साइकिल हवाएँ तूफ़ान आंधियाँ बारिश और फिर हर किस्म की बारिश और बगोले और फिर या बारियाँ ये सब कुछ क्या है ये सब आसमान से उतरता है और फिर आसमान से फ़रिश्ते भी तो आते जाते हैं और फिर परिंदे चढ़ते भी हैं परिंदे उतरते भी हैं और फिर अल्लाह के अहकाम भी अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों के ज़रिए वही के ज़रिए बिया तक पहुँचते रहे अल्लाह के तलीमत और अल्लाह के अहकाम भी आसमान से ज़मीन तक उतरते हैं और पहुँचते रहे अल्लाह की रहमतें भी बरसती हैं आसमान से अल्लाह के फरिश्ते भी उतरते हैं आसमान से और फिर ज़मीन से आसमान में चढ़ता क्या है पानी के बुखार चढ़ते हैं हवाएं चढ़ती हैं परिंदे चढ़ते हैं बहुत जगर दो गुबार चढ़ती है और फिर सबसे बढ़ के अगर हम देखें तो लोगों की दुआएं चढ़ती हैं हर पीर और जुमे रात को हर असर और फ़जर के वक्त वो असर और वो फजर की नमाज़ जिसकी कस्में अल्लाह सुबहाना ताल ने क़ुरान में खाई हैं उन अवत में लोगों के अमाल अल्लाह के खजूर चढ़ाए और पहुँचाए जाते हैं और फिर रूहें मौत के बाद वो रूहें कब्ज़ करने के बाद आसमान की तरफ चढ़ाई जाती हैं तो अल्लाह कहता है मैं सब कुछ जो आसमान से उतरता है जो ज़मीन से ऊपर चढ़ता है जो ज़मीन में जाता है जो ज़मीन से निकलता है मैं सब कुछ को जानने वाला इस आयत के बाद जो अल्लाह ने अपना सिफाती नाम बताया है वो रहीम और गफूर बताया यहाँ पर कोई और सिफाती नाम समी बसीर अलीम क्यों नहीं असल बात यह कि अल्लाह ये बात समझाना चाहता है ये हकीकत समझाना चाहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं आसमान से अपनी कितनी रहमतों के ख़जाने अपनी कितनी नेमतों के ख़जाने उतारता हूँ ज़मीन से तुम अल्लाह की कितनी रहमतें कितनी नेमतें कितना ख़ुराक कितना रिस्क कितनी मादनियात कितने ख़जाने तुम ज़मीन से समेटते हो कितनी नेमतें तुम्हें तुम पर आसमान से मालामाल की जाती हैं और फिर क्या अहकाम अल्लाह ने आसमान से उतारे उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर और इलाके को जानने के बाद जो अमाल तुम अल्लाह को भेजते हो वो है बड़ा गफूर वरना जो अमाल तुम ऊपर अल्लाह को भेजते हो वो पकड़े जाने के लायक हैं वो महासबे और सजा के लायक हैं ना है अल्लाहरा अला खिसा बेरा रबिक आयत नंबर तीन मुनकरन कहते हैं क्या बात है कि कयामत हम पर नहीं आ रही कहो कसम है मेरे आलमैब पर बर्तिकार की वो तुम पर आ कर रहेगी उससे ज़रा बराबर कोई चीज़ ना आसमानों में छुपी है ना ज़मीन में ना ज़र्रे से बड़ी और ना इससे छोटी सब कुछ एक नुमाया दफ्तर में दर्ज है और ये क़्यामत इसलिए आएगी कि जजात अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और नेक अमल करते रहे हैं उनके लिए बख्शिश और इज्जत का रिस्क है और जिन लोगों ने हमारी आयात को नीचा दिखाने के लिए ज़ोर लगाया उनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अजाब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म रखने वाले खूब जानते हैं जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो सरासर हक़ है और खुदा अजीज़ व हमीद का रास्ता दिखाता है माँ हम इख्त नस्तुलमुस्तकीम मुनकरीन लोगों से कहते हैं कि हम बताएं तुम्हें एक ऐसा शख्स जो ख़बर देता है कि जब तुम्हारे जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा मुंतशिर हो चुका होगा उस वक्त तुम्हें नए सिरे से पैदा किया जाएगा ना मालूम ये शख्स अल्लाह के नाम से झूठ खड़ता है या उसे जुनून लाक है नहीं बल्कि जो लोग आखरत को नहीं मानते वो अजाब में मुबला होने वाले हैं और वही बुरी तरह बहके हैं क्या उन्होंने कभी उस आसमान और ज़मीन को नहीं देखा जो उन्हें आगे पीछे से घेरे हुए हम चाहें तो उन्हें ज़मीन में धंसा दें या आसमान के कुछ टुकड़े उन पर गिरा दें तर हकीकत इसमें एक निशानी है हर बंदे के लिए जो अल्लाह की तरफ रजू करने वाला है अल्लाह हमें बंदगी सिखा बंदगी का तरीक़ा सिखा बंदगी का हुसनता फरमा और हमें हर हाल में अपनी तरफ रजू करने वाला खुश नसीब बना अब रजू करने वाले बंदगी करने वाले जो जिक्र और शुक्र से अल्लाह की तरफ रजू करते हैं उनकी मिसालें और ना करने वाली कौम की मिसाल और अंजाम बताया जाएगा पहले किस्सा है हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये वो दो बाप बेटा हैं हजरत दाऊद हजरत मूसा मूसम के बाद हम इमरान में किस्सा जानते हैं कि तालूत और जालू का जब मामला हुआ और फिर हजरत दाऊद ने दुश्मनों के सिपा आज़म जालूद को जब हलाक किया तो फिर इनको हकूमत उदा इकतदार मिला फ़लस्तीन की हकूमत मिली हसरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने माल हकूमत ओता फहम फरासत इल्मर फन बहुत सी नेमतों से नवाज़ा था और यही हाल उनके बेटे हजरत अलैहिस्सलाम का भी था लेकिन इन दोनों बाप बेटे का रवैया जो क़ुरान की एक नई बहुत सी सूरतों में हम देखते हैं कि अल्लाह की नेमतों को पाने के बाद इनका तरीक़ा कसरत से जिक्र और शुक्र का था और इन पर वो अल्लाह का जो असूल है ना जो अल्लाह ने ऐलान किया है वाला इन शख़र तुम ला अज़ीद नुम वाला कफ़र तुम इन्ना अजाबी ला शदी कि अगर तुम अल्लाह का शुक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें मज़ीद नेमतों से माला माल करेगा लेकिन याद रखो कि अल्लाह की न करोगे कुफ़र नेमत करोगे तो उसका अजाब बहुत शदीतों का तो यहाँ पर इन बाप बेटे की मिसाल बारहा कुरान में दी गई है ला इन शक्कर ये शुक्र करते थे अल्लाह नेमतें देता था अल्लाह की नेमतों का इतराफ़ करते थे शुक्र करते थे और अल्लाह मजीद नेमतों से माला माल करता था अब इनकी रुदाद अगर पढ़ें हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बड़ा फजल अता किया था हमने हुक्म दिया पहाड़ों उसके साथ हम आहंगी करो और यही हुक्म हमने परिंदों को दिया ये क्या हुक्म था हमें मालूम होता है कि अल्लाह सुभान व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खुश इल्हानी बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा था अल्लाह की नेमत है सबको नहीं देता लेकिन नेमत के अमले शुगर का तरीका हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से ये था कि वो क्या करते थे इस खूबसूरत आवाज़ को इस खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह की हम दो सना करते थे तस्बीहात करते थे अल्लाह की पाकि और बुज़ुर्गी बड़ाई बयान करते थे और क्या हुआ कि जब इतना ख़ूबसूरत अमली शुगर का तरीक़ा अल्लाह ने देखा तो फिर ला अज़ी दन्ना कुम में अल्लाह सुबहाना क्या किया दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दे दी गई जो अल्लाह क़ुरान में फरमाते ना आता ही ना दाऊद ज़बूरा ज़बूर क्या थी ये तो एक इल्हामी किताब थी इसमें क्या था इसमें अल्लाह जबाना ताली के हमदिया मंजूम तराने थे नज़मों की शक्ल में अल्लाह के हमद और तस्बीहात थी अब जब ये मिल गई तो मज़ीद अमली शुक्र के हर वक्त हज़रत दाऊद साम अपनी खूबसूरत आवाज़ से ज़बूर की आयत और जबूर के उन हमदिया तरानों को जो है वो पढ़ते और पुकारते रहते थे अल्लाह जुबाना ताली ने ना अजीद नकुम अल्लाह को इतना पसंद आया ये तस्वीर की कसरत और जिक्र की कसरत और अमली शुगर का तरीक़ा कि ये कर दिया जो अल्लाह इस आयत में फ़रमा रहे अल्लाह ने पहाड़ों को हुक्म और अल्लाह ने परिंदों को हुक्म दे दिया कि जब हज़रत दाऊद सामा की तस्वीर करते हैं तो उस वक़्त क्या करें उस वक़्त आप भी साथ हम मांगी करें हम नवा हो जाएं उन तस्बीहात में सुबहान अल्लाह क्या ख़ूबसूरत मंजर होगा क्या खूबसूरत नज़ारा होता होगा कि वो सुबह का वक्त और उस वक़्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लानी के साथ अल्लाह की हमदोसना उन, तो उन जबूर की आयत के ज़रिए और फिर सारे के सारे परिंदे भी हम नवा और वो गूंज जो है वो पहाड़ों की भी हमनवा क्या खूबसूरत अंदाज होता होगा ये तरीक़ाकार है शाकरों के साथ अल्लाह का नेमतों के इजाफे का फिर अल्लाह जुबहाना ताला ने क्या किया और फिर अल्लाह सुबहाना ताली ने शाकिर और ज़ाकिर हजरत दाऊद साम के साथ मज़ीद नमतों का मामला क्या किया अगली आयत में अल्लाह सुबहाना ताली फरमा रहे हमने लोखे को उसके लिए नरम कर दिया इस हदायत के साथ के ज़रहे बना और उनके हल ठीक अंदाजे पर रख हज़रत दाऊद को अल्लाह ने जो मज़ीद नमत दी गई थी कि लोखे के ज़रिए ज़रा साजी करने का इल्म और फ़न दिया गया था ये बात मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि कुछ फ़न हन हुनर और कुछ जो इन्वेशनस और इजादत हैं वो अम्बियाल को वही के ज़रिए सिखाई गई और इंसानियत को उनसे मुतारफ़ करवाया गया ये जो लोहे का दौर है जिसे हम इंसानी तारीख़ में आयरन एज कहते हैं इसका तारीख में ग्यारह सौ साल क़बल मसीह इलेवन हंड्रेड बी सी और ये प्रिसाइजली वही टाइम है जो हज़रत दाऊद दाऊद् का दौर है असल में ये कैसे हुआ था हज़रत दाऊद के पास इतना वसी हुकूमत और उदा इकदार तो था लेकिन ये अपनी रियासत के माल में से और बैतुल माल में से माल नहीं लेना चाहते थे तो इन्होंने अल्लाह सुबहाना ताल से दुआ की थी अमानत दारी और हक शनासी के साथ कि अल्लाह सुबहाना मुझे कोई फ़न कोई हुनर सिखा दे कि रिस के हलाल कमाना आसानी और इज्जत से मेरे लिए आसान और मुमकिन हो जाए तो अल्लाह के हुक्म से फिर अल्लाह ने इनको मुजा दिया एक आयत है इस तफसीर इस तफ़ी की इस आयत की एक तफसीर है जो ये बताई जाती है अल्लाह ने उनके हाथों में मुजाना तौर पर यह सलाहियत दी कि जब वो लोहे को अपने हाथ में पकड़ते थे तो वो लोहा नरम हो जाता था और वो उसको ढाल कर जो चाहते थे बना लेते थे और फिर इस नेमत के शुक्र के तौर पर अमली शुक्र के तौर पर उन्होंने इस इल्म और हुनर को अपने अपनी रियासत के जिहाद के लिए ज़िर बनाने के लिए इस्तेमाल किया और कुछ रवायात में आता है कि अल्लाह तआला ने लोहे को पिघला कर ज़रा साजी का इल्म और हुनर उनको सिखाया अल्लाह ने फरमाया कि हल्के ज़रें बना और उनके ठीक अंदाज़े रख ए आले दाऊद नेक अमल करो और जो कुछ तुम करते हो मैं उसको देख रहा हूँ फिर इनके बेटे हज़र सलमान इनको भी बहुत वसी दायरा हुकूमत और बहुत वसी रियासत बैतलम से भी ज़्यादा इनकी रियासत जो है वो फैल गई थी वालद से भी ज़्यादा इनकी रियासत जो है वो वसुत पकड़ गई थी और फिर अमली शुगर का तरीका क्या था कि उस रियासत के सारे मामला उसके अमूर जो हैं उसकी निगरानी करते थे सर्विलेंस करते थे नज़म ज़बत अदल का इंसाफ राय निज़ाम जो है वो राइज करते थे ज़मीन अल्लाह की थी उस पर अल्लाह के दीन की हाकमीत के नफाज के लिए सरगर्म रहते थे और इसके लिए फिर सफ़र करते थे तो इस शुक्र के तरीक़े को देख कर अल्लाह जबाना ताली ने फिर ला अज़ीदन नकुम में क्या किया कि अल्लाह ने समान सलाम के लिए फ़रमाया कि हमने हवा को मुशर कर दिया ये असल में समुद्री जहाज़ों में सफ़र करते थे और कश्तियों में सफ़र करते थे उस ज़माने में मोटर्स और इंजनस तो होते नहीं थे बादबान हुआ करते थे ना तो जब हज़र सलेमानसम अपने हकूमती अमूर की निशान काम के देखने के लिए वो सफ़र करते थे तो फिर अल्लाह के हुक्म से इतनी तेज़ हवाएं उनके सफ़र के रुख में चलने लगती थी हवाएँ मावन बन गई थी और हवाओं के साथ बादबान जो है वो भर जाते थे और एक दिन और रात में अल्लाह की मुावनत के साथ ये एक महीने का सफ़र आसानी से तय कर लेते थे ये है ला अजी नकुम अल्लाह नमतें देगा तुम कौली तुम दिल से तुम अपने अमल से शुक्र गुजार हो तो फिर अल्लाह तुम्हें मजीद नमज़ों से माला माल करेगा हवा को मुसखर कर दिया सुबह के वक्त उसका चलना एक महीने की राह और शाम के वक्त उसका चलना एक महीने की राह और हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया आयरन ऐज जो है वो हज़रत दाऊद का दौर था ग्यारह सौ साल क़बल मसीह और जो ब्रॉन्ज एज है तांबे का जो दौर है वो हज़रत सलेमानसम का दौर है ये एक हज़ार से लेकर ग्यारह सौ साल कबले मसीह तक का दौर है और फिर जिन भी उनके ताबे कर दिए जो अपने रब के हुक्म से उसके आगे काम करते थे उनमें से जो हमारे हुक्म से सरताबी करता था उसको भड़कती हुई आग का मज़ा चखाते थे और वो जिन क्या करते थे वो बनाते थे उसके लिए जो वो चाहता था और क्या महारीब महारीब का मतलब है ऊँची ऊँची इमारतें ऊँचे ऊँचे महल और कसर और ऊंचे-ऊंचे बड़े बड़े शान शौक़त वाले शानदार महलात हजरत सलिम के कब्ज़े के जिन उनके लिए बनाते थे ये जनात जो इतने बड़े बड़े महलात हजरत साम के लिए बनाते थे ये कोई तकब्बर के लिए नहीं था ये कोई अपने अकड़ इतराने और अपने फखर जताने के लिए नहीं था और ना ही ये कोई रिया दिखावे नमूदो नुमाइश या इसराफ का अंदाज़ था इतने बड़े बड़े महल और इतनी बड़ी इमारतें इन महलों की किस मकसद के लिए थी ये बा मकसद थी मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी ये महलत ये सेंटर्स थे ये मराक़ थे मुजाहिदों की तरबियतों के और मुजाहिदी जहादों के लश्करों के रवानगी के यहाँ से मामला होते थे फिर दीन अल्लाह के अहकाम पढ़ाए सिखाए जाने के मराकज़ थे और फिर मुबलिन मबल्गी दीन को यहाँ से लॉन्च किया जाता था और फिर यहाँ पर क्या थे यहाँ पर शल्टर्स थे किन के लिए जिस इलाके के और माशरे के जो यतीम हैं जो मोहताज हैं जो मस्किन हैं जो बेवाएँ हैं उनके लिए मरकज थे तो ये खिदमत खल का मरकज़ था ये खदमत दीन का मरकज था अला कलिमतल्ला के लिए ये बड़े बड़े जो आ, महल हैं ये बनाए जाते थे और फिर क्या वह तमासील तमासील का मतलब मिसल से है मिसल कहते हैं वो चीज़ जो मिलती जुलती है जो रिजम्बल करती है तमासील का मुराद से मुराद जो है वो तस्वीरें हैं हर वो चीज़ मिलती जुलती अल्लाह के मखलूक की तरह मिलती जुलती चीज़ें जो मुशवर बनाते हैं वो चाहे वो चाहे तस्वीरें हैं या मूर्तियाँ हैं या स्कल्पचर्स हैं ये सारी की सारी इनका मतलब तमासिलल का मतलब है तो गोया ये जिन्नात जो हैं हज़र सलाम के महलात में तमासिल बनाते थे तस्वीरें बनाते थे ये क्या है मैं आपको ये बात ज़रूरी वाज़ह करती जाऊँ कि हज़रत दाऊद दाऊदम और हज़रत सलीमान दोनों बाप बेटों के कुछ अमल चार उनके रवैयों को बाद की ज़िद्दी और ढीठ कौमों ने अल्लाह के कुछ नापसंदीदा और हराम काम करने का जवाज़ बनाया है ये चार काम कौन से हैं कल मौसीकी पे बात हुई तो मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ये जवाज़ पैदा करते हैं कि हज़रत सलैमान हज़रत दाऊद अगर वो अगर वह हमदिया मंद जूम तराने गाते थे तो गोया इससे गाने बजाने और मौसीकी का तस्वुर निकलता है हालांकि मैंने आपको बताया और आज भी आपको बताया कि हज़रत दाऊद अल्लाह की सना करते थे उसमें कोई आलाते मौसीकी म्यूज़िकल इंस्ट्रोमेंट्स का नाम और शाइबा भी नहीं होता था उनके उन हमदिया मंजूम तरानों के गुनगुनाने या ऊँची आवाज़ में अल्लाह की सना करने से मौसीकी के हलाल और जायज़ होने का तस्वुर नहीं मिलता है फिर दूसरी बात कि वो ये कहते हैं बहुत से लोग कि हज़रत सलाम के दरबारों में और उनके महल्लात ने भी तो जन्नात तस्वीरें बनाते थे तो शायद तस्वीरें बनाने की भी इजाज़त है इस पर अभी बात भी होती है और हदीस का हवाला हाँ भी मैं आपको देती हूँ तीसरी बात यह कि उनके कब्ज़े में आज सलीमानसम के कब्ज़े में जिन्नात थे और वो उनसे मुख्तलिफ मुख्तफ सरगर्मियाँ और उनसे काम और ख़दमात लेते थे तो बनी इसराइल ने यह जवाब पैदा करना शुरू कर दिया जिसका तस्करा अल्लाह ने सुर बकरा में भी किया कि हमारे एक नबी अगर जन्ात को काम कर काबू में करके उनसे काम ले सकते थे तो फिर हम जादूगर हम काहन अपनी जादूगरी की दुकानों में अगर जिन्नात को काम लेकर उनको काबू में ले कर काम करते तो ये तो एक नबी की सुन्नत है और यह अमल जो है ये कुफर हराम नहीं है अल्लाह ने सूरा बकरा में बार हाँ यह हकीकत बता दी व सलेमान हज़र सलीमान जो जि्त को काबू करके काम करते थे उन्होंने कुफर नहीं किया था जिन्नात हजर सलमान सलाम के कब्ज़े में जो थे वो वह बेज़ अल्लाह के हुक्म से थे जादूगर और काहन जब जिन्नात को काबू में करते हैं तो अपने गंदे अमलियात से करते हैं और फिर हजर साम जिनात से जो काम लेते थे वो सारे पॉजिटिव और और प्रोडक्टिव काम थे तामीरी काम थे दीन की खिदमतों और ख़दमत खल के काम थे जादूगर सारे के सारे मनफी और काफिराना काम करते हैं। और फिर चौथी बार जिसके लिए इन दोनों बाप बेटे को जवाब बनाया जाता है कि हजरत दाऊद सलाम वालद थे और फलस्तीन के हुक्मरान थे और उसके बाद उनका बेटा हजरत सलेमान सलाम जो है वो उसी रियासत की हुक्मरानी और बादशाहत इनको मिली तो गोया इन दोनों में अगर बादशाहत तकसीम तो की गई तो शायद हमारे दीन में और इस्लाम में बादशाहत और शहनशाह शहनशाहत और मलूकियत का कोई तस्वुर है याद रखिएगा ऐसा कोई तसवुर नहीं है इस्लाम में बादशाहत का इस्लाम में मलूकियत का कोई तसवर नहीं है इस्लाम का निज़ाम हकूमत जो है वो खलाफत का निज़ाम है खलाफत का निज़ाम इस्लामी हकूमत का निज़ाम है और बादशाहत और मलूकियत का निज़ाम इस्लाम का तस्वुर नहीं है ये तो चूँकि दोनों नबी थे और पहले बाप नबी हुए तो हकूमत दी गई फिर बेटे को नबूब से सरपराज किया तो से गया तो इसलिए हकूमत से नवाजा गया तो यहाँ से बादशाहत और मलूकियत का तस्वुर और उसका जवाब नहीं मिलता बहरहाल ये जो तमासील का तवुर है और इससे मशवरी और तस्वीर बनाने को जायज़ और हलाल कहा जाता है तो आप ये देख लीजिए कि हज़र सलमान सलाम के कब्ज़े के जिनात उनके महलों के लिए जो तस्वीरें बनाते थे वो कौन सी चीज़ों की तस्वीरें थीं वो खालिसतन नॉन लिंग चीज़ों की तस्वीरें गैर ज़ीरू चीज़ों की तस्वीरें बनाते थे लाइक नॉन लिंग चीज़ें जैसे पहाड़ हैं बादल हैं कौस कजा है नदियाँ हैं नाले हैं और फिर उसके बाद अगर आप एक, एक, एक तो ख़ूबसूरत दरख्त हैं फूल हैं बेलें हैं ख़ूबसूरत फू पल हैं तो ये ख़ूबसूरत क़ुदरती मनाजिर या अल्लाह की नॉन लिविंग मखलूक की तस्वीरें बनाते थे और इसका मकसद क्या होता था इसके ज़रिए वो महलों के जो इंटीरियर है उसको ख़ूबसूरत बनाना उसको खुशनुमा बनाना उसको मुजैन करना माहौल को ख़ूबसूरत बनाना क़ुदरती मनाजिर के नज़ारों से और फिर आपको पता है कि जब माहौल में फ़ितरत और कुदरत के नज़ारे होते हैं तो इंसान इंसान का झुकाव और मैलान भी फ़ितरत की तरफ हो जाता है तो बस सिर्फ़ इस मकसद के लिए नॉन लिविंग चीजों की तस्वीरें बनाई जाती थी ये जिनात कहीं भी महिलात को खूबसूरत करने के लिए या मुजैन करने के लिए जी रू और लिविंग चीजों की तस्वीरें नहीं बनाते थे लिविंग चीजों की तस्वीरें बनाना शरीयत में हराम है ये कबीरा गुनाह अलैहि वसल्लम की हदीस बुखारी में आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं कि उस शख्स से बढ़ के जालिम कौन होगा जो मेरी तख्लीक़ की मानंद एक तख्लीक बनाए ये लोग एक दाना या एक चूंटी तो बना के दिखाएँ तो गोया ये एक हराम और कबीरा गुना है इसी तरह फ़तह मक्का के मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तहु फरमाते हैं कि सल्लल्लाहु सल्ला वसम ने फ़रमाया फ़ात मक् ने इलान करके फ़रमाया साहबा को मुखातिब करके तुम में से कौन है में से कौन है जो जाए और कोई बुत ऐसा ना छोड़े जिससे वो तोड़ ना दे कोई तस्वीर ऐसी ना छोड़े जिसे वो मिटा न दे और कोई कबर ऐसी ना छोड़े जिसे वो हमवार ना कर दे तो ये है तस्वीरों को मिटाने और बुतों को तोड़ने का मामला और हज़रतली रज़ी अल्लाह तु फरमाते हैं कि मैंने इस काम की जिम्मेदारी उठाई और यह मामला जो खिदमत मैंने इसकी सर अंजाम दी इसी तरह हदीस के अल्फाज आते हैं कि वो लोग जो दुनिया में मुसवरी करेंगे और जो तस्वीरें बनाएंगे फिर कयामत के दिन उनको मुकर उनको रिपीटेड और कॉन्टीन्यूस अजाब दिया जाएगा और वो अजाब क्या होगा कि उनसे कहा जाएगा कि आज इन में डालो जैसे तुम दुनिया की ज़िंदगी में इनकी तस्वीरें बनाते थे हालात में वाक़ भी आते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम के महज़त आयशा रजी अल्ला के हवाले हाँ से पता चलता है कि रसुल्लम सफ़र पर तशरीफ़ ले गए थे वापस आने से पहले जैसे बस अवकात ख़वाी अपने शहरों के आने से पहले घर को ज़रा थोड़ा सा सेटअप करती हैं तो उन्होंने क्या किया कि एक एक तकिया जिस पर घोड़ों की तस्वीर बनी हुई थी वो गिलाफ जो है वो तकिएट डाल दिया घर को ज़रा मुजन करने के लिए नबी वम की रिसप्शन के लिए तो आप सल्हलम जब तशरीफ़ लाए और घोड़ों की तस्वीर उस तकिए के खिलाफ पर देखी तो आप इससे मना फरमाया कुछ रवियात में आता है आपने इसको फाड़ दिया एक और मौके पर आता है कि हजरत फातिमा रजीलम सफर के बाद जब तशरीफ ले गए तो आपने उनके घर के बाहर तस्वीरों वाला एक पर्दा अवेज़ा देखा तो आप सल्हलम मुलाकात किए बगैर वापस ले गए ये मोहब्बतों का पैमाना है ना कि जो चीज़ अल्लाह के महबूब नहीं है और अल्लाह की पसंदीदा नहीं है आपने भी बेजान लाड प्यार करके बेटी को उसकी इजाज़त नहीं दी आपने मुलाकात किए बग़ैर तशरीफ़ ले गए हज़रत फ़ातिमा रज़ील्ल्ला को जब पता चला कि मेरे वालद आए और मेरे घर के दरवाजे तक पहुँच कर मुझे मुलाकात किए बग़ैर वापस पलट गए तो आप बहुत ही जल्दी वालद को मुलाक़ात के लिए जब हाज़िर हुई उनके वापस पलटने की वजह पूछी तो रसूल सल्हल ने उस तस्वीर वाला पर्दा जो आवेज़ा किया गया था उसकी नापसंदीदगी का इज़हार किया हज़त फातिमा रज़ी अल्लाह तह अपने घर तशरीफ़ ले गई उस पर्दे को उतारा और उसको फाड़ के फेंक दिया हयात तैयबा का वो वाक्य भी आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत इब्राहलम ने मुलाकात का वादा और एक ख़ास वक्त मुलाकात के लिए मुकर फ़रमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आप किसी सहाबी के किसी साथी के घर में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्हल हजरत इब्राहलील की आमद के मुंतज़िर थे लेकिन उसके बावजूद हजरत इब्राहल उस घर में तशरीफ़ ना लाए जब मुलाकात से फारिग होकर आपके इंतज़ार के बावजूद ना आए आप जब मुलाकात से फारग होकर उस घर से बाहर निकले तो हजरत इब्राइल की आप सल्लल्लाहु से मुलाकात हुई आपने हजरत इब्राइल के तख़ीर से आने की वजह पूछी तो इस पर फरिश्तों के सरदार हजरत इब्राइल अमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्हसम को फ़रमाया कि हम उस घर में नहीं आते जहाँ तस्वीर या कुत्ता हो तो कोल्ला की रखमतों के फरिश्ते उस घर में नहीं आते जहाँ तस्वीरें और जहाँ किसी किस्म के बुत या किसी किस्म के मुजस्मे मौजूद हों अमें शरा सदर हो के इन अहकाम की हकीकत को समझने और अपनी ज़िंदगी में इनको रज कर तोफ़ी कताब फ़रमाएँ अब देखें कि तस्वीरें बजाते ख़ुद जो एक हार्ड कापीज़ की शक्ल में वो तो पसंदीदा नहीं है बज उनके जहाँ वो एक मजबूरी हैं या जहाँ कानून के हवाले से जैसे आई डी कार्ड्स पर तस्वीरों का होना या ड्राइविंग लाइसेंसिस पर या पासपोर्ट्स पर या वीज़ाज़ के लिए वो चीज़ें जो हैं वो हालात की मजबूरी और ज़रूरत जरूर है लेकिन या कहीं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जहाँ ये चीज़ें जरूरी हों लेकिन बिला वजह बेकार ला यानी मकासद के लिए इनको ना सॉफ्ट कापीज़ की शकल में और ना हार्ड कापीज़ की शकल में इनका इस्तेमाल करना शरीयत के रूप से दुरुस्त नहीं है अल्लाह हमें शरीत के अहकाम को समझने और उनको सुन के समय ना वतौवाना करने की तोफ़ीकता फ़रमाएं और फिर ये जिनात क्या करते थे तमासील के साथ वो बड़े बड़े हौस जैसे लगन और अपनी जगह से ना हटने वाली देगें बनाते थे ये सारा कुछ अज़रत दाऊद सुलेमान सलमान के कब्ज़े के जिन्त क्यों बनाते थे और इसका मकसद मोर ओवर ये नहीं था कि कोई इसराफ़ थी या कोई ऐश इशरत थी या कोई खाने की बड़ी बड़ी दावतें रिया इसराफ़ नमूद वनुमाइश या तकबर के लिए की जा रही थी ये खालिस्ता क्या था वही जो मैंने आपको बताया कि महलों में वो मुजाहिदी इस्लाम थे जिहादी लश्कर लॉन्च होते थे तो इन मुजाहिदीन के क्याम तौमाम का बंदोबस् या मुबल दीन जो वहाँ पर आते थे समझते थे और दीन की तबलीग के लिए निकलने वाले जो ग्रोह वहाँ से लॉन्च होते थे उन मुबलिन इस्लाम या उन मुबलिने दीन की खिदमत के लिए क़्याम तमाम का बंदोबस्त और य और क्या वो जो माशरे के गरीब मस्किन जो है प्रवलेज थे सोसाइटी के उनके लिए दस्तरखान को कुशादा करने के लिए क्योंकि हदीस का वादा क्या है जो किसी जो किसी भूखे को खाना खिलाएगा अल्लाह उसको जन्नत के मई मुझसे खाना खिलाएंगे और जो किसी प्यासे को पानी पिलाएगा अल्लाह उसको जन्नत के मशरूबों में से पानी पिलाएंगे तो लिहाजा ये वो वादे थे जिसकी खातिर हज़र सलमान सलाम का वो दस्तर खान जो है इन तमाम चीज़ों के लिए कुशादा था वरना ना ये रिया और तकबर था और ना ये दिखावा नमूदो नुमाइश थी फिर जब सलाम पर हमने मौत का फ़ैसला नाफिज कर दिया तो जिनों को उसकी मौत का पता देने वाली कोई चीज़ उस घुन के सवाना थी जो उसके असा को खा रहा था इस तरह जब सुलेमान गिर पड़ा तो जिनों पर यह बात खुल गई कि अगर वो ग़ैब के जानने वाले होते तो इस जिल्लत के अजाब में मुबला ना होते गोया यहाँ पर हजरत सलैमान की एक और कैफ़त उनका वाक़ा बताया जा रहा है मैं आपको बता रही हूँ पहले ही कि जन्ात हज़र सलिम के कब्ज़े में थे और ये जन््त के साथरत सलमान ने बैतलमकत हैकल सलेमानी की तमीर का मरहला और उसका आगाज़ किया था अब क्योंकि इतने जिन्नात उस हकल सुलेमानी और बतुलमदस की इमारत की तामीर पर मरकूज़ कर दिए गए थे तो ये बतौर बतौर एक अच्छे सरबरा के उनकी निगरानी उनकी सुपरविज़न उनकी चेकिंग उनकी सुपरविज़न उनकी सर्वेलेंस ये सब एक अच्छे हुक्मरान और एक अच्छे लीडर का मामला है और अमली शुक्र का तरीक़ा है तो हज़रत हज़र सलेमानसम ने बड़ी हकमत से क्या किया कि उन्होंने अपना एक सोने एक शीशे का कमरा बना लिया अब वो शीशे के कमरे में बैठकर उनकी निगरानी और चेकिंग भी करते थे और साथ साथ चूंकि वो शीशे का ट्रांसपेरेंट कमरा उसमें देखना भी मुमकिन होता था लेकिन उसमें खामोशी भी मिलती थी और एक प्रिवेसी भी मिल जाती थी और वहां पर खामोशी से अपनी इबादत भी करते रहते थे देखा जिक्र का तरीका ये नहीं है कि हम अपनी दुनियावी काम काज और ज़िम्मेदारियों को छोड़ दें और लंबे लंबे चिल्ले और वजीफ़े काटने लगें लेकिन अपने फ़राइज और हकूक़ल आबाद को तर्क कर दें ये सारा काम साथ साथ चलता रहता था और साथ ही अपनी इबादत का अहतमाम भी होता था ये इतदाल से ज़िंदगी गुजारने का शाकिर और जाकिर तरीका था इसी शीशे के कमरे में इबादत खाने में अल्लाह के हुक्म से मौत और फिर कुलुनव सि मौत हज़रत जरत सलेमानसाम की मौत का जब वक्त आया तो वो अपनी कुर्सी पर अपनी असा के टेक लगा कर बैठे हुए थे और जिनों को तो ये लग रहा था कि शायद हमारा आका हमारा मालिक अभी हयात है और फिर जब वो घन ने उनके असा को खाया और वो और वो असा जो है वो गिरा और फिर वो टेक और सहारा ख़त्म हुआ तो हज़रत सलीमान सलाम गिरे और वो जिन जो अपनी आँखों से उनको देख रहे थे और उनकी मौत का उनको अंदाज़ा नहीं हुआ था फिर जब उनका जसद गिरा तो उनको पता चला कि मौत वाकई हो चूंकि ये जिन हैं और ये जिनों के इल्म का हाल है जिनको आज लोग ग़ैब के इल्म के साथ काहिनों और नजूमियों के पास इनके लिए रजू करते हैं ग़ैब का इल्म अल्लाह के अलावा किसी और के पास नहीं अल्लाह हमें शिरक से भी इजनाब की तोफ़ी कता फरमा आयत नंबर फिफ्टीन सभा के लिए उनके अपने ही मस्कन में एक निशानी मौजूद थी यहाँ से आगे कौम सबा का तस्करा है और यही वजह है जिस वजह से इस सूरत का नाम सूरा सबा पुकारा गया है कौम सबा इसका तस्करा क़ुरान में सूरा नखल की आयत नंबर एक सौ बारह और एक सौ तेरह और फिर यहाँ पर सूरा सभा में भी इसका तस्करा आया ये जनूब मगरबी अरब की एक बहुत तरक्की याफ़्त एक बहुत मालदार कौम थी और इस कौम का अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री में इस कौम का पीरियड देखें तो एक सौ पंद्रह कबल मसीह से लेकर ग्यारह सौ कबल मसीह तक ये पीरियड है कौमे सभा का और ये वो कौम है जो बुध परस्त जो शिरक करने वाली बुध परस्त कौम थी कुछ रवायात में आती कि ये सूरज को पूछती थी और ये मुश्क़ कौम थी हजरत सलाम के दौर में इनकी हुक्मरान एक खातून थी और उसको मलकाए सबा के नाम से पुकारा गया ये कॉम बड़ी तरक्की याफ्ता हाईली डेवलप्ड बहुत तरक्की याफ्ता बहुत माला, माल माल मालदार कौम थी और बहुत ज़्यादा मतमदन और सिविलाइज्ड कौम अल्लाह ने नेमतों से माला माल कर रखा था इस कौम को हर किस्म के वसाइल और हर किस्म के अस्बाब से नवाजा गया था इस कौम को अगर मैं नेमतों का तस्करा आपको बताऊं तो अल्लाह अल्लाबाना ताली ने कौम सबा को बहुत जो ज़रात और खेती बाड़ी में बहुत बढ़ोती दी थी बहुत ज़्यादा बेहतरीन एग्रीकल्चर के ज़रिए इनको इनको माल मिलता था हमें पता चलता है कि इनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ और सोना उगलने वाली इनकी ज़मीन थी और सिर्फ़ इनकी ज़मीनें जरखेज़ नहीं थी इनके तीन इतराफ़ में पानी के ज़ख़ीरे थे जैसे कहते ना कि एक शक्ल में पेनजुला था जजीरा नुमा था और फिर इनकी जमीन के अंदर भी दरिया रवा थे और इन दरियाओं से अल्लाह सुबहाना तला ने इनको इतना इल्म और फहम दिया था कि इन दरियाओं से फिर इन्होंने कनाल्स और नहरें निकाल ली थी गोया जमीन का शायद बेहतरीन आबपाशी का निज़ाम भी इस जमीन में रॉइ था तो गोया बेहतरीन केनाल इरीगेशन सिस्टम था और बेहतरीन सोना उगलने वाली जमीनें थी तो सारे के सारे इसबाब जो हैं वह बेहतरीन जरात और एग्रीकल्चर के थे इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है कि इनके दाएं, बाएं बाग बाग ही थे और संदल के बाग थे दारचीनी के पेड़ थे और फिर इनके दरमियान उनकी खेतियां भी लहलहाती थी, थी। सिर्फ ये नहीं था कि इनकी ज़रात या एग्रीकल्चर की वजह से ये मालदार थे अल्लाह ज़ुाना ताली ने इनको ट्रेड और तजारत में भी बड़ी बढ़ोतरी दी थी और उसके इस्बा भी ये थे कि इनके पास तजारती शाहराहें भी थी इनके पास बेरी, बरी बरी अड्डे भी थे और इनके पास तजारत का नुहाव और स्किल भी था ये अपनी बहरी और बरी अड्डों से ये जहाज़ों पर सफ़र करते थे और अल्लाह जुबाना ताली ने इनके जहाज़ों के सफ़र के हवाले से इनको सिखा रखा था सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के दिनों में ये गर्म इलाकों की तरफ सफर करते थे और गर्मियों के मौसम में ये सर्द इलाकों की तरफ और शुमाली इलाकों की तरफ सफर करते थे और ये हर किस्म के मेवाजात और खुश मेवाजात और ये खुशबूदार लकड़ियाँ और ये सब चीज़ें और स्पाइस जो है ना इनकी बहुत ज्यादा तजारत करते थे और ढेर सा माल अपनी ट्रेड या अपनी तजारत से कमाते थे और फिर अल्लाह सुबहाना ताली ने इस मुतमदिन और सिविलाइज कौम को इनको इनको आर्किटेक्चर का स्किल बहुत दिया था फन तमीर बहुत थी इनकी और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और इतने बड़े बड़े महलात ये तमीर करते थे इनका जो सबसे बड़ा महल है इनका जो सबसे बड़ा बन था उसको सद मरब के नाम से जाना गया और ह्यूमन हिस्ट्री में भी उस सद या मारब डैम का तस्करा मिलता है और इनका जो बहुत बड़ा एक महल था ना वो अपने दौर का अगर आप कहें कि वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में था वो कसर गमदान था एक ऊंची पहाड़ी पर था लेकिन ये सिर्फ़ क़र गमदान इतना बड़ा नहीं था इनके बाकी भी महलात बहुत ही शानदार टू द एक्सटेंट कि इनके जो महल और इनके घर थे ना उनके छतों पर सोने और चांदी के नक्शों नगार थे इनके महलात के बर्तन भी सोने और चांदी के थे और यहाँ तक इनकी ऐश का हाल ये था कि इनके महलों और इनके पूरी बड़ी बड़ी उन इमारतों के अंदर वो जब लकड़ी जलाते थे और जब आग जलाते थे तो आम लकड़ी नहीं वो संदल की लकड़ी जलाते थे या दारजीनी की लकड़ी जलाते थे और उनके बागों से भी खुशबू और महक की लपटें उठती थी और उनकी घरों की चिमनियों से भी वो खुशबू और महक की लपटें उठती थी इतनी नेमतों से माला माल बस्ती और इतनी नेमतों से माला माल माल ये सरजमीन का टुकड़ा यहाँ तक कि कौम सभा की ये शहरत थी उसके दौर में कि जब दूर दूर से सभा की कौम के जो इर्द गिर्द पानी के जखायर और जो समंदर थे ना उसमें दूर से जब जहाज सफ़र करके आते थे तो मीला मील दूर वो जहाज के मुसाफिर जो है ना जब उनको खुशबू की लपटें और महक की लपटें जाती थी तो वह वहाँ से कह देते दे थे कि सभा बस्ती आने वाली ये शोरत थी और ये नेमतें थी जो अल्लाह सुबहाना ताला ने इस बस्ती को जिससे माला माल किया था और अल्लाह का तरीका क्या है कि जब अल्लाह किसी कॉम को या किसी बस्ती को नेमतों से मालामाल करता है तो फिर उसका उसका करने का काम क्या होता है शुक्र का तक क्या होता है कि ज़मीन अल्लाह की है तो उस पर निज़ाम अल्लाह का नाफि होना चाहिए उस पर निज़ाम और उस पर सिस्टम अल्लाह के अहकाम और हदूत का नाजुम होना चाहिए लेकिन यह कौम बदतरीन ना शुक्री थी ना अल्लाह को मानती थी ना तोहहीद पर जमती थी और ना ही उन्होंने ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम और अहकाम को नाफि किया था फिर उन पर साँप आया और वो जो उनका सबसे बड़ा बंद उनका डैम सदे मारब है अल्लाह के हुक्म से उसमें एक दरार एक क्रैक आ गया था और वो अपने हाथों का बनाया हुआ वो डैम उस पूरी की पूरी बस्ती को सैलाब के रेले में बहाने का जरिया बन गया ज़मीन सारी की सारी बंजर हो गई बर्बाद हो गई वो सोना उगलने वाली खेतियाँ उगलने वाली ज़मीन जो है अब उस पर सिर्फ झाड़ झनकार कुरान में आएगा भी आप पढ़ेंगी सिर्फ कुछ झाओ के खुश दरख्त जो थे अब उस पर उगते थे और फिर इस बंजर ज़मीन को छोड़ के ये ये जो सभा के लोग हैं वो पूरे इलाकों में ज़मीन के मुंतकिल हो गए थे इन्हीं में से कुछ लोग वो थे जो मदीना की बस्ती में आए थे और यहाँ पर वो और खजरज की शक्ल में आबाद हुए थे तो ये कौम का अंजाम हम देखेंगे अभी आपने हज़रत दाऊद और हज़रत सलाम की रुदात देखी कि कैसे अल्लाह नेमत देता था तो जिक्र और शुक्र की कसरत करते थे तो अल्लाह मज़ीद नमतों से नवाजता चला जाता था वही आयत की तशरी अगर तुम अल्लाह का शुक्र करोगे तो ला अज़ी धन ना कुम वाला इनका फर तुम इन ना अज़ाबी ला इस आखिरी हिस्से की तशरी अब कौम सभा की रुदात बता रही है अल्लाह हमें जाकिर और शाकिर अफराद भी बनाए और जाकिर और शाकिर कौम भी बनाए पढ़ें सभा के लिए उनके अपने ही मस्कन में एक निशानी मौजूद थी दो बाघ दाएँ बाएँ <coughs> खाओ खाओ अपने रब का दिया वारिस्क और शुक्र बजा लाओ शुक्र बजा लाओ उसका मुल्क है उम्दा और पाकिजा परवरदिगार है बख्शने वाला मगर वो मुंह मोड़ गए जब मैं जब भी मैं सूरज सभा की आयत पढ़ती हूँ तो मुझे कौम सबा का हाल भी याद आता है और कौम सभा का अंजाम भी याद आता है और अपने मुल्क की रुदात भी याद आ जाती है बताएं क्या हमारा मुल्क उमदा और पाकिस्तान नहीं है क्या हमारे रब ने हमें उमदा और पाकिस्तान मुल्क नहीं दिया नेमतों से माला माल टुकड़ा नहीं दिया और क्या हम मुँह नहीं मोड़ गए क्या हम नहीं मुँह मोड़ गए आप देखें कि पाकिस्तान की सरजमीन ये पाकिस्तान का टुकड़ा ये ख़िता ये अल्लाह का मोज़ज़ा है जो अल्लाह ने अल्लाह ने हम बर सगीर के मुसलमानों को थाली में रख के रमज़ान के मकीने में दिया था क्या नहीं है पाकिस्तान के पास क्या नहीं है पाकिस्तान के पास यू नेम इट एन वी हैव इन पाकिस्तान हमारे पास ताकिस्तान भी हैं नखलिस्तान भी हैं सहरा भी हैं सोना उगलने वाली ज़मीनें भी हैं पंज नद की ज़मीन भी है द बेस्ट कैनाल इरीगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड भी है हमारे पास तो हमारे पास तजारती शाहराहें भी हैं हमारे पास बहरी अड्डे भी हैं सी पोर्ट्स भी हैं ट्रेड रूट्स भी हैं हमारे पास मादनियात भी है, हमारे पास, पास, पास जौहरी तो भी है हमारे पास दुनिया की फ़ौजों में से आर्मीज़ में से एक बेहतरीन फौज भी है क्या नहीं है हमारे पास क्या हमने शुक्र किया अल्लाह ने यह खत् कैसे दिया था क्यों दिया था आपको मालूम है ना जब बर सग़ीर में मुसलमान कटते थे पिसते थे जुल्म, ज़्यादी अंग्रेज़ों हिंदुओं सिखों की बर्दाश्त करते थे तो वो जमा हुए थे और उन्होंने अल्लाह जुबाना ताल से दुआ की थी कि अल्लाह अब हम इस ख़त्े में नहीं रह सकते हमारी औलादों के दीन ईमान इस्लाम इस ख़ते में महफूज नहीं रहेंगे अल्लाह हमें ख़त् दे दे अल्लाह हमें टुकड़ा दे दे ताकि हमारी औलादों के दीन ईमान इस्लाम महफूज हो जाए और फिर उस वक्त वादा किया था क्या वादा किया था पाकिस्तान का मतलब क्या ला लाला ला। बताएं क्या ये ऐलान था क्या ये नारा था क्या ये स्लोगन था अरे नहीं ये वादा था अल्लाह से कि तू खित्ता देगा उस पर तेरे ला अ के निज़ाम को नाफि करेंगे जब अल्लाह ने खित्ता दे दिया अल्लाह ने ज़मीन का टुकड़ा दे दिया तो क्या वादा निभाया क्या ला इला का निज़ाम नाफिज किया क्या तागुती निज़ाम को इस पर राइज करके आज तक हम मुतमैन नहीं हैं अब फिर सिर्फ बदहदी का इरतक तो नहीं किया सिर्फ वादा खिलाफे के मुरतकब तो नहीं हुए हम तो न शुक्री का मामला भी कर चुके हैं इतना नेमतों से माला माल टुकड़ा जब अल्लाह क़ुरान में कहता है ना वाइन तो नमत नाम तो सुहा तो मुझे कई दफ़ा लगता है कि अल्लाह शायद हम पाकिस्तानियों से मुखातिब है कि तुम कौन कौन सी नेमतें कौन कौन सी नेमतों का तुम इनकार करोगे और तुम पाकिस्तानियों अगर नेमतों को गिनना चाहोगे तो तुम शुमार नहीं करोगे क्या ख्याल ऐसा है कि नहीं है अल्लाह ने यहाँ पे इनके लिए कहा है कि इनके पास ये तजारती शाराएं थी हमारे पास करा हाईवे जैसी के केच जैसी चीज़ें हमारे पास मोटरवेज हैं हमारे पास हर किस्म की कोस्टल एरियाज़ हैं तो क्या हमने इतना नेमतों का माला माल टुकड़ा लेने के बाद शुक्र का तकाज़ा कि इस पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज करते कुरान को आइन कुरान को दस्तूर कुरान को निज़ाम हकूमत और खयात बनाते कुरान के कवानीन को हम इसका इस रियासत का कानून बनाते ये ना शुक्री नहीं है अभी तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन नाइन्टी परसेंट जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है अभी तक हमारा लीगल सिस्टम जो है हमारा सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है वो इंडियन पीनल कोर्ट पर मुश्तमिल है मुझे बताएँ ये बदहदी और ना शुक्री नहीं है तो और क्या है लेकिन अल्लाह का करम है ये सब तेरा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है अल्लाह अपना करम फरमाए हमें बहसीियत कौम ये कौम सभा की रुदातें पढ़ते हैं कौम सबा के किस्से पढ़ते हैं क़ुरान की आयतें हमने पढ़ी कि अल्लाह कभी उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपने रवैयों को न बदले अल्लाह सोचों को बदलने की तोफ़ी फरमा अल्लाह सबसे बढ़ के निज़ाम को बदलने की तरफ पलटने की तोफ़ी कता फ़रमा अल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा को रज करने की तोफ़ी कता फ़रमा इलाही मेरी कौम को मसाइल का हल बता दे, इलाके पाकिस्तान को पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान बनाने के लिए हमें समझने और इसकी कोशिश करने की तोफीक़ा फरमा पढ़ें इस कौम का क्या हाल हुआ अल्लाह ने कहा खाओ अपने रब का दिया वारिश शुक्र बजा लाओ मुल्क है उमदा और पाकिस्तान परवरदिगार है बख्शिश करने वाला मगर वो मुँह मोड़ गए जैसे हम और आप मुँह मोड़े हुए हैं ना इस निज़ाम से आखिरकार हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब भेज दिया उनके पिछले दो बाघों की जगह और दो बाग उन्हें दिए जिसमें कड़वे कसैले फल झाओ के दरख्त थोड़ी सी बेरियाँ ये था उनके कुफर का बदला जो हमने उनको दिया और ना शुक्र इंसान के सिवा तो ऐसा बदला हम किसी को नहीं देते और हमने उनके और उनकी बस्तियों के दरमिया जिनको हमने बरकतें अदा की थीं नुमाया बस्तियाँ बसा दीं और उसमें सफ़र की मुसाफतें एक अंदाजे पर रख दीं चलो फिरो इन रास्तों में रात दिन पूरे अमन के साथ मगर उन्होंने कहा है मारे रब हमारी मुसाफतें सफ़र की मुसाफतें लंबी कर दे उन्होंने अपने ऊपर या आखिरकार हमने उन्हें अफसाना बना कर रख दिया उन्हें बिल्कुल तितर बितर कर दिया यकीन इसमें निशानी हर उस शख्स के लिए जो साबिर और शाकिर है उनके मामले में इबलीस ने अपना गुमान दुरुस्त पाया और उन्होंने उसी की पैरवी की बचे एक थोड़े से गरों के जो मोमिन थे इब्लीस को उन पर कोई इकतदार हासिल ना था मगर जो कुछ हुआ इसलिए हुआ कि हम ये देखना चाहते थे कि कौन आखरत का मानने वाला है और कौन उसकी तरफ से शक में पड़ा है तेरा रब हर चीज़ पर निगरान है اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات इन मुशीन से कहो कि पुकार देखो अपने उन मबूदों को जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा अपना मामूद समझे बैठे हो वो ना आसमानों में किसी जरा बराबर चीज़ के मालिक हैं ना ज़मीन में आसमान और ज़मीन की मलकियत में शरीक भी नहीं है इनमें से कोई अल्लाह का मददगार भी नहीं है और अल्लाह के हजूर कोई सिफारिश भी किसी के लिए नाफ़ी नहीं हो सकती बजुज़ उस शख्स के जिसके लिए अल्लाह ने सिफ़ारिश की इजाज़त दी हो हत्या कि जब लोगों के दिलों से घबराहट दूर होगी तो वो सिफ़ारिश करने वालों से पूछेंगे तुम्हारे रब ने क्या जवाब दिया तो वो कहेंगे ठीक जवाब मिला है और वो बुजुर्ग और बदतर बदतर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछो कौन तुम्हें आसमान और जमीन से रिश्ता देता है कहो अल्लाह अबला मोहल्ला हम में और तुम में कोई एक ही हदायत पर है या खुली गुमराही में पड़ा है उनसे कहो जो कसूर हमने किया तो उससे कोई बासफुर्स तुमसे नहीं होगी और जो कुछ तुम कर रहे हो उसका कोई जवाब तलबी हमसे नहीं की जाएगी कहो हमारा रब हमें जमा करेगा फिर हमारे दरमियान ठीक ठीक फ़ैसला कर देगा वो ऐसा ज़बरदस्त हा, हाकिम है जो सब कुछ जानता है उनसे कहो ज़रा मुझे दिखाओ तो सही वो कौन सी हस्तियाँ हैं जिन्हें तुमने उसके साथ शरीक बना लिया हर किस नहीं ज़बरदस्त और दाना तो बस अल्लाह ही है और नबी सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम आयत नंबर 28 हमने आपको तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी देने वाला बशीरन और बुरे अंजाम से मुतनब करने वाला नजीरन बना के भेजा है मगर अक्सर लोग नहीं जानते यह हकीकत कि रसोल्ला सल्ला वल् को उस एक ख़त्े आपको सिर्फ़ मक्का की बस्ती या मदीना की बस्ती या अरब की रियासत के लिए नहीं भेजा गया था आप सल्लल्लाहु आपलम को कुरान में बार हाँ ये हकीकत बताई गई है जैसे अल्लाह ने फ़रमाया है ना सूर्य अम्बिया में वमा अरसल्ला का अख मतल आलमीन आपको तमाम जहानों के लिए भेजा गया था इसी तरह अल्लाह ने सूरा फुरकान में फरमाया तबार कल्लजी नज्जल फुरकान अला अब्दिही यकून लिल आलमीना नजीरा सारे जहानों के लिए भेजा गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे काले गोरे सब की तरफ भेजा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोर हदीस के अल्फाज हैं पिछले नबियों को एक कौम और एक जमाने के लिए भेजा गया था मुझे तमाम लोगों पर नबी बनाकर भेजा गया यू आर आपको सिर्फ मक्का मदीना या अरब की सरजमीन के लिए नहीं आपको सारे रुए जमीन के लिए वो आटे कंटाटे एमेजन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका नॉर्थ अमेरिका सारी की सारी ग्लोब पर अल्लाह का दीन गालिब करने के लिए भेजा गया था और सिर्फ उस दौर के लिए नहीं उस दौर के लिए जब आपकी वलादत और आपकी नबूबतु उसके लिए नहीं उस वक्त से लेके कयामत तक आपको सारे अदवार के लिए भेजा गया था और ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए इस्लाम दीन मोहम्मद सल्ह वसलम एक बैन अवामी दीन है एक ग्लोबल और इंटरनेशनल रिलीजन है इस्लाम नोज़ नो बाउंड्रीज़ वो जो इलाम इकबाल का तस्वुर है ना मुस्लिम है हम वतन है सारा जहाँ हमारा हिंदू है हम वतन है हिंदोस्तान हमारा मुसलमानों का पैगाम इस्लाम और मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सारी दुनिया के लिए कयामत तक के लिए आया तो अल्लाह ने फरमाया ये आपको तमाम इंसानों के लिए भेजा गया है ये लोग तुमसे कहते हैं कि वो क़यामत का वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो करो तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन की मैद मकर है जिसके आने में न घड़ी भर तखीर कर सकते हो और ना ही घड़ी भर पहले ला सकते हो ये काफिर कहते हैं आयत नंबर थर्टी वन हम हरगिज़ इस क़ुरान को नहीं मानेंगे और ना इससे पहले आई हुई किसी किताब को मानेंगे काश तुम देखो उनका हाल उस वक्त जब ये ालिम अपने रब के हजूर खड़े होंगे जो अल्लाह के कुरान को नहीं मानते ना इसको नहीं मानते या इसकी नहीं मानते उस वक्त ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरेंगे जो लोग दुनिया में दबा कर रखे गए थे वो बड़े बनने वालों से कहे थे अगर तुम ना होते ना तो हम मोमिन होते और वो बड़े बनने वाले इन दबे हुए लोगों से कहेंगे क्या हमने तुम्हें उस हदाये से रोका था जो तुम्हारे पास आई थी नहीं बल्कि तुम खुद ही मुजरम थे वो दबे हुए लोग इन बड़े बनने वालों से कहेंगे नहीं बल्कि शब और रोज़ की मकारी थी जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह से कुफ़र करें और दूसरों को अल्लाह का हमसर बनाएं आखिरकार जब ये लोग अजाब को देख लेंगे तो दिलों में पछताएंगे और हम इन मुनकरिन के गलों में तोक डाल देंगे अल्लाम तजाल क्या लोगों को इसके सिवाय कोई और बदला दिया जा सकता है कि जैसे अमल करें वैसे ही जसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में ख़बरदार करने वाला भेजा हो और उसकी बस्ती के खाते पीते हमेशा नबियों रसूलों की अपोजिशन मुखालफत रिजेक्शन रेजिस्टेंस खाते पीते तबके पढ़े लिखे इंटेलिजेंसिया और इलीट ही हमेशा एक इस्लामाइज़ेशन को अपोज़ और रजिस्ट करती रही है हर नबी के साथ ऐसा ही हुआ कि हम इस पैगाम को जो तुम लेकर आए हो ना हम नहीं मानते उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम तुमसे ज़्यादा माल और औलाद रखते हैं और हम हर के सज़ा पाने वाले नहीं हैं इनसे कहो मेरा रब जिसे चाहता है कुशादा रिस् देता है जिसे चाहता है नपातुला देता है मगर अक्सर लोग इसकी हकीकत को नहीं जानते और की हकीकत क्या है कि तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद नहीं है जो तुम्हें हमसे करीब कर देती है हाँ मगर जो ईमान लाए और नेकमल करें यही लोग हैं जिनके लिए उनकी अमल की दुखरी जजा है कौन सी जजा बुलंद और बाला इमारतों में इत्मीनान से रखेंगे अल्लाह इन में बना दे रहे वो लोग जो हमारी आयत को नीचा दिखाने के लिए कोशिश को, करते हैं तो वो अजाब में मुबिला होंगे इनसे कहो मेरा रब अपने बंदों में से जिसे चाहता है खुला देता है जिसे चाहता है नपा तुला देता है और जो कुछ तुम खर्च कर देते हो ना उसकी जगह वही तुम्हें और दे देता है वो सब रज़ों से बेहतर राजक है अल्लाह तू राजिक है तू रज़ाक है रिस्क की कुंजियाँ तेरे कब्जे में हैं, तो जिसको चाहता है खुला देता है इज़्ज़त से देता है अल्लाह मकफफ़नीहला लिखा अनहरामिक व अग्न ने बेफ लिखा अमन अल्लाह रिस्क हलाल अता फ़रमा इज़्ज़त से आबरू से सहूलत से आसानी से अफ़रमा अल्लाबहान तला हमारे घर के मर्द जो जो रिस्क के हलाल की कोशिशें कर अल्लाह उनकी कोशिशों में बरकतें बढ़ोतियाँ फरमा, अल्लाह उनकी मदद उनकी रहनुमाई फरमा अल्लाह सुबहाना तला उनको रिस्क हराम की पहचान और कराहत अता फरमा अल्ला हमारी तजौरियों को दस्तरखानों को लुकमाए हराम से बचा अल्लाह मुलाजमतें करने वालों को तरक्यांता फरमा कारोबार करने वालों के कारोबारों में बरकतें बढ़ोतियाँ अताफ़रमा और अल्लाह तो जितना भी हमें रिस्क दें उसको सादगी से आजज़ी से तवक्ल और कनात से इस्तेमाल करने के तरीके और सलीक़े भी सिखा जिस दिन वो तमाम इंसानों को जमा करेगा फिर फरिश्तों से पूछेगा क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे पीछे बात कर चुके हैं ना कि मुश्किन मक्का फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना के उनकी पूजा पाठ करते थे तो क्या होगा वो फरिश्ते जवाब देंगे पाक है आपकी सात हमारा ताल्लुक तो आपसे है ना इन लोगों से दरअसल ये हमारी नहीं बल्कि जिनों की इबादत करते थे जिनों की इबादत का मतलब क्या है आपको पता है ना कि इबादत इलाह की की जाती है और इलाह का पहला ये है कि उसकी अतात उसकी उबीडियंस की जाए उसके अहकाम को माना जाए लेकिन अगर, अगर अल्लाह को छोड़कर जिन कौन था हाँ शैतान का नामिन जिन्नी फ़क़ा अन अमरी रबी अगर रहमान और अल्लाह को छोड़ के शैतान जो जिन था अगर उसकी अतात उसकी उबीडियंस हो गई तो गोया क्या है शैतान की बंदगी की जा रही है शैतान की जिन की इबादत की जा रही है तो फरिश्ते कहेंगे कि ये हमारी नहीं बल्कि जिनों की इबादत करते थे उनमें अक्सर उन्हें ईमान लाए हुए थे उस वक्त हम कहेंगे आज तुम में से कोई ना किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान और ालमों से हम कह देंगे अब चक्को इस अज़ाब जहन्नुम का मज़ा जिसे तुम झुटलाते थे उन लोगों को जब हमारी साफ साफ़ आयात सुनाई जाती हैं तो ये कहते हैं कि ये तो बस चाहता है कि तुम्हें उन मबूदों से बरकशत कर दे जिनकी इबादत तुम्हारे बाप दादा करते आए हैं और कहते हैं कि कुरान महज एक झूठ है खड़ा हुआ इन कांपरों के सामने जब हक आता है तो उन्होंने साफ़ कह दिया ये तो सरी जादू है हालांकि ना हमने इन लोगों को पहले कोई किताब दी थी कि उसे पढ़ते हो और ना तुमसे पहले उनकी तरफ कोई मुतनबे करने वाला वॉन करने वाला भेजा उनसे पहले गुजरे हुए झुटला चुके हैं जो कुछ हमने उनको दिया था ना उसके अशीर को भी ये नहीं पहुंचे हैं मगर जब उन्होंने मेरे रसूलों को जुटलाया तो देख लो मेरी सजा कैसी सख्त थी इनसे कह दो मैं तो तुम्हें बस एक नसीहत करता हूँ खुदा के लिए तुम अकेले अकेले दो दो मिलकर अपना दमाग लड़ाओ सोचो तुम्हारे साहिब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको पहले सादिक नमीन कहते थे अब उन्हीं को काजबिबिबिबिबि उन्हीं को झूठा साहिर शायर मजनू कहते थे तो अल्लाह कह रहा तुम लोग जस्ट पुट योर हार्ट्स एंड माइंड एंड सोल्स टू इट तुम सोचो तो सही तुम लोग क्या कह रहे हो तुम दमाग लड़ाओ तुम सोचो तुम्हारे साहिब में आखिर ऐसी बात कौन सी है जो जुनून की हो वो क्या कर रहे हैं वो तो सिर्फ एक सख्त अजाब की आमद से पहले तुम्हें मुतनब कर रहे हैं उनसे कहो अगर मैंने तुमसे कोई अजर मांगा है तो वो तुम्हें को मुबारक हो मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है और वह हर हाँ चीज़ पर गवाह है उनसे कहो मेरा रब मुझ पर हक अलका करता है और वो तमाम पोशीदा हकीकतों का जानने वाला है कहो हक आ गया और अब बातिल के लिए कुछ नहीं हो सकता अल अर हक का हक कौवर जुकन तिबा अल्लाहुम्मा अरे बातिला तिलाबा तिलों वर जुक अगर मैं गुमराह हो गया तो मेरी गुमराही का वबाल मुझ पर है और अगर मैं हदायत पर हूँ तो उस वही की बुनियाद पर हूँ जो मेरे रब ने मेरे ऊपर नाजिल की है और वो समी और करीब है काश तुम देखो उन्हें उस वक्त जब ये लोग घबराए हुए फिर रहे होंगे कहीं बच के नहीं जा सकेंगे करीबी से पकड़ लिए जाएंगे उस वक्त ये कहेंगे हम उस पर ईमान ले आए हालांकि अब दूर निकली हुई चीज़ कहाँ हाथ आ सकती है उससे पहले ये कुफर कर चुके हैं बिला तहक़ीक दूर दूर की कोड़ियां लाया करते थे उस वक्त जिस चीज़ की ये तमन्ना कर रहे होंगे उससे महरूम कर दिए जाएंगे जिस तरह इनके पेशरो हम मशरब महरूम हो चुके हैं इनकी वजह क्या है इन नोफी शक के मरीब ये गुमराह शक में पड़े तो गोया शक और किसी किस्म का कंफ्यूजन या डाउट ये गुमराही की एक बहुत बड़ी वजह है इसीलिए अल्लाह सुबाना ताली ने कुरान देते सार ही रालिकल राताबू देने के बाद क्या फरमाया था ला रई बफी इसमें शक ना करना अल्लाह कुरान में बार हाँ ये मुतालबा करता है फ़ला तक मिनल मुम शक और तजबजब का शिकार होने वालों कन्फ्यूज़न और डाउट का शिकार मत होना अगर शक क्या शक की दरार तुम्हारा और तुम्हारे कुरान के ताल्लुक में ये शक की दराड़ आ गई तो ये ताल्लुक पनपने नहीं पाएगा बढ़ने नहीं पाएगा श्योरिटी के साथ क्लैरिटी के साथ यकसू होकर इसके अहकाम को शरा सदर होकर यकीन से इसके अहकाम को सुनने वाले की गुमराही से बचते हैं और हदायत पाते हैं आप सल्हुह वम ने फरमाया शक से बचो शक से बचो क्योंकि इसी ने पिछलों को हल्क और बर्बाद किया इसी तरह एक हदीस में आता है कि शक से बचो जो शक की हालत में मरेगा वो उस हालत में उठेगा अल्लाह में पुख्ता ईमान और पुख्ता यकीन كامل فرما إيمان کی سلامتي سابت قدمي پختگی أر اضافہ عطا فرما أر الله خاتم بالإيمان فرمانا الله خاتمة بالإيمان فرمانا خاتم بالخير خاتم بالإسلام فرمانا أر الله زبان پر موت کے وقت جاري كردنا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم عيني على غمرات الموت وسكرات الموت सूरा फातिर मक्की सूरत पाँच रकुआत 45 फाइव आयात तरतीब के अतबार से थर्टी फिफ्थ नंबर पर आने वाली सूरत और पहली ही आयत में फ़ातिर का लफ्ज़ इस हवाले से इस सूरत का नाम इस सूरत का एक और नाम सूरा मलाइका भी है क्योंकि इसमें फरिश्तों और मलाइका का तस्करा किया गया है और ये पांचवा ग्रुप कुरान की सूरतों का मक्की सूरत दूसरी मक्की सूरत है अब पांचवें ग्रुप की अगर हम देखें तो सूरा फातिर पिछले सूरत सूरा सभा का एक मुसन्ना है मुसन्ना का मतलब दे बोथ मेक अ पेयर मिलते जुलते पैरल मजामी है और जमाना नजूल सूरा सबा ही की ये मक्का का मुतवसर दौर है और वही मजमून जो आम तौर पर हमारी मक्की सूरतों का मजमून है तोहद का और रसालत का इसबाब और इनकी तनकीद और इनकी नफ़ी करने वालों को बड़े मदल दलाइल के साथ उनको कायल किया जा रहा है और ना मानने वालों की नफ़ी और तरदीद की जा रही है बिस्मिल्लम रहीम एक और सूरत मैंने आपको बताया था कि क़ुरान में पांच सूरतों का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह के कलमे के साथ तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और ज़मीनों का बनाने वाला फरिश्तों को पैगाम रसा मुक्र करने वाला कैसे फ़रिश्ते ऐसे फ़रिश्ते जिनके दो दो तीन तीन चार चार बाज़ू हैं और वो अपनी मखलूक के साथ में जैसा चाहता है इजाफा करता है इलाक शयन कदीर अल्लाह सुबहाना यहाँ पर ही में फ़रिश्तों का तस्करा फ़रिश्तों के परों का तस्करा जो किया है फ़रिश्ते इनका तस्करा अल्लाह ने क़ुरान में बहुत जगह किया है और इनके नाम के पीछे आगे हम जाके के सफ़ात भी इनकी सिफात के हवाले से पढ़ेंगे फ़रिश्ते वो मखलूक़ हैं जिनको अल्लाह ने जिनों और इंसानों से पहले तख्लीक कर दिया था और ये अल्लाह की नूरी मखलूक़ है और ये वो मखलूक हैं जिनके जिनकी सरिश्त में जिनकी मिजाज के अंदर शर का अंसर नहीं है ये अल्लाह की नाफरमानी अल्लाह की सरकशी डिसोबीडियंस और ट्रांसग्रेशन का इख्ती ही नहीं रखते चूँकि इनके अंदर शर का अंसर नहीं है तो लिहाजा इनके हिसाब किताब और सज़ा जजा का तस्वूर ही नहीं है इनके लिए तो अल्ला क़रन में फरमा तय आलोना मारून के जो वो हुक्म दिए जाते हैं वो उसकी अतात करते हैं तो डिसोबीडियंस का कोई तसवर फरिश्तों के यहाँ मौजूद नहीं है चूंकि वह अतात गुजार मखलूक है नूरी मखलूक तो लिहाजा ये कायनत का जो सारा निज़ाम संभालने के लिए अल्लाह सुबहाना ताल के हुक्म से वमल करते हैं हवाओं के परिंदे हैं पहाड़ों के परिंदे दरियाओं के परिंदे तो दफेतियों के परिंदे हैं बारिश के परिंदे कहती हूँ फ़रिश्ते हैं तो ये मुख्तलिफ़ तो चीज़ों की जिम्मेदारियाँ अल्लाह के हुक्म से इनको सौंपी गई हैं और ये अल्लाह के हुक्म को इस पूरी की पूरी यूनिवर्स और कायन के अंदर कैरी ऑन और कन्डक्ट करते हैं अताद की शक्ल में इसके नज़ाम को चलाने के लिए फ़रिश्तों के हवाले से हमें पता चलता है जनों ने खुदसूर बकर्फ आते हैं नखन भी हो भी दिखावा नक़द्द सूलत ये फरिश्ते कसरत से अल्लाह की हम दो सना करते हैं कसरत से जिक्र करते हैं और तस्बी करते हैं और अल्लाह की पाकि बुजुर्गी और बड़ाई जो है वो बयान करते हैं और दोहरा लीजिए फरिश्तों की तस्वीर क्या है सुबह नल्ल वमदेही सुबह अज़ीम और ये वो तस्वी है जिसके लिए हदीस में वादा है कि जो शख़्स दिन में सौ दफ़ा ये तस्वी का कलमा पुकारेगा उसके गुनाह अगर समुंदर की झाँक के बराबर भी होंगे तो वह बख्श दिए जाएंगे अल्लाह ज़ाकिर जकिर ज़बानता फरमा और ये वही कलमा है जिसके लिए आपने फरमाया था कि दो कल जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं लेकिन मीज़ान अतल में बहुत भारी होंगे और रहमान को बहुत महबूब हैं ये वही दो कलमें हैं तो लिहाजा फ़रिश्ते कसर से तस्वी करते हैं और सिर्फ तस्वीर भी नहीं कसरत से अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होते हैं वो हदीस के अल्फाज हैं कि रावी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल अल वसलम साहबा की महफिल में तशरीफ़ फ़रमाते और आपने उनसे मुखातिब होकर सवाल किया कि अभी मैंने आसमान के चिरकने की क्रीकिंग की आवाज़ सुनी क्या तुमने भी सुनी आपने फरमाया आसमान चिरकने ही के लायक है क्योंकि आसमान में कोई बालिशत भर जगह ऐसी नहीं है जहाँ किसी फरिश्ते का सर सजदे में ना हो कसरत से खम तो तस्वीर करना ज़िक्र करना कसरत से सजदा करना अल्लाह की बंदगी और अतात करना और फिर हमें यह भी पता चलता है हदीस की रू से कि फ़रिश्ते ख़ाना काबा के बिल्कुल मिरर इमेज ऊपर सातवें आसमान पर जो घर मामूर है वो फरिश्ते उसका तवाफ़ भी करते हैं और रोज़ एक दिन में सत्तर हज़ार फरिश्ते मामूर का तवाफ़ करते हैं और हदीस ये भी बताती है कि जिस फ़रिश्ते ने एक दफ़ा मामूर का तवाफ़ कर लिया है उसकी बारी दोबारा नहीं आई इतने कसीर तादाद हैं फरिश्तों की और ये फरिश्ते वो भी हैं जो कायनात का निज़ाम चलाने के लिए जमीन से आसमान और आसमान से ज़मीन तक आते जाते हैं और फरिश्तों की ड्यूटियां किस वक़्त फजर और असर के वक़्त जो है उनका उनकी चेंजिंग ड्यूटी जो है उसका मामला होता है फरिश्ते मुख्तलिफ किस्मों के मशकूर हैं जैसे जो चार बड़े फरिश्ते हैं फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जब्राइल अमीन ये फ़रिश्तों के सरदार हैं जो वही की तरसील के लिए मामूर थे और जाहिर है बिकॉज अब खातिमबी खातिमसलिन के बाद कोई नबी रसूल नहीं है तो वही का सिलसिला मुनक़ा हो चुका है तो ये फ़रिश्तों के सरदार हैं वकी की तरसील की जिम्मेदारी थी उसके बाद मलिकुल मौत जिनका नाम फरिश्ता इज़राइल बताया गया है बारिशों के फरिश्ते हजरत मीकाईल उनका नाम बताया गया है और फिर वो फ़रिश्ते जो क़यामत के दिन सूर फूकेंगे हज़रत इसरा अलैहिस्सलाम जिनके हवाले से पता चलता है कि वो गाय के एक सींग की तरह उस सूर पर अपना मुँह रख के अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर हैं कि वो सूर में फूँक मारें और सूर में फूँक जुमे के दिन मारी जाएगी अल्लाह के हुक्म से और ये यह हज़रतरफी सूर में फूर मारेंगे नफी सूर का हुक्म जो तस्करा कुरान में आता है उसके बाद हामिलाने अर्श फरिश्ते चार फरिश्ते वो हैं जो अल्लाह के अर्श को थामे हुए हैं इनकी दुआएं अल्लाह के बंदों के हक में क्या हैं वो इन हम आगे जाकर पढ़ेंगे अभी क़्यामत से पहले चार फरिश्ते हामिलाने अर्श हैं क़्यामत के दिन मैदान हशर में क़ुरान बताता है कि उनकी तादाद आठ होगी फिर फरिश्ते जिनका नाम हमें कुरान हदीस से पता चलता है वो करामन कातबीन जो नामा यामाल को लिखते हैं फिर वो जो कयामत में सवाल व जवाब करेंगे मुनकर और नक़ीर का तस्करा आता है फिर उसके बाद कयामत के क़बर के अंदर वो अंधे बहरे फरिश्ते जो अजाब कबर का ज़रिया बनेंगे और फिर सूर के पोंखे जाने के बाद फिर दो मजीद फरिश्ते साइक़ और शहीद जो नाफरमानों को हाँक के लाएंगे वो सहाक होंगे हाँकने वाले और गवाही देने वाले शहीद होंगे फिर कुछ फरिश्तों का तस्कराए जो जहन्नम के दारोगा होंगे बड़े सख्तगर होंगे और जो कुछ नरम हो और बड़े हलीम तबीयत वो जन्नत के दारोगा होंगे जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो यही वो फ़रिश्ते जन्नत के दारोगा होंगे जो जन्नतियों का इस्तेमाल करके कहेंगे सलाम्कुम तोयब तुम अच्छी रह गई हो तुम कि तुम जन्नत में पहुँच गई हो अल्लाह हमें यह खुशखबरियाँ मिलें और हम इन खुशखबरों के पाने वाले खुशनसीब बन जाएँ ये वो फ़रिश्ते हैं जिनका तस्करा मुख्तफ़ शक्लों में हमें कुरान और खदीस से मिलता है और फरिश्तों के हवाले से हमें ये भी पता चलता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को आदम को सजदा करने का हुक्म दिया था और तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया इंसान मसजूद मलाइका है वो जो कहते हैं ना कि फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना मगर इसमें लगती है मेहनत से आता। हसूल इल की ईमान की हिफाजत की अमले साले की को अपनाने की ये वो मेहनतें हैं जिसकी वजह से इंसान फरिश्तों से अफजल बन जाता है अल्लाह अपने मखलूक की पहचान भी अता फरमा अल्ला ईमान भी अता फ़रमा अल्लाह ने फरमाया कि उनके दो दो तीन तीन चार चार बाजू हैं और साथ ही अल्लाह फरमाते कि मैं उनकी तख्लीक़ में इजाफ़ा करता हूँ तो ये याद रखिएगा हज़रत जब्राई अमाम के परों की तादाद इससे बहुत ज़्यादा पता चलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल जब्राईलम जो उन पर वकी भी लाते थे और उनके मुअल्लिम का किरदार भी अदा करते थे उनको अपनी आँखों से ज़िंदगी में दो मौक़ों पर देखा एक वकी जब वही का पीरियड कुछ देर के लिए स्टॉप कर दिया गया था तो उसके बाद जब हजरत जिब्राईल तशरीफ लाए एक वो मौका और दूसरा मौका जो हमने शब माज के मौके पर पढ़ा था सिदरतलमनतहा के करीब दोनों मौक़ों के हवाले से एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्हु वसलम ने फरमाया कि मैंने जब जिब्राईल अमीन को उनकी हकीकी हालत में देखा तो वो एक कुर्सी पर तशरीफ़ फरमाते और उनके पर ज़मीन से लेकर आसमान के खला को पुर कर रहे थे और एक और जगह पर आपने फ़रमाया जो दो मौक़ों पर आपने देखा वो दूसरे मौके पर आपने फ़रमाया कि मैंने उनको उनकी हकीकी हालत में देखा और उस वक्त आपने छः सौ परों का तस्करा फरमाया अल्लाह फरमाता है कि जिसकी चाहता है मखलूक में उसकी इजाफा कर देता है वो हर चीज़ पर कातिर है। अल्लाह जिस रहमत का दरवाज़ा भी लोगों के लिए खोल दे उसे कोई रोकने वाला नहीं और जिसे वो बंद कर दे फिर अल्लाह के बाद उसे कोई दूसरा खोलने वाला नहीं वो ज़बरदस्त और हकीम है आयत नंबर तीन के आगाज़ में अल्लाह एक पैगाम दे रहा है या अन्नास ए लोगो तुम क्या करो उस अलैकुम कुरान में इसका तस्करा बहुत दफ़ा है कहीं अल्लाह डायरेक्टली बनी इसराइल को मुखातिब करके कहते हैं या बनी इसराइल अस कुर रमत तो कहीं याुन्नास को मुखातब किया जाता है कुरान की आयत जब भी आए तो इसको दोहरा लेना है मैं शायद ये चीज़ें बार बार नहीं दोहराती एक जगह बात आती हूँ जहाँ जहाँ आता जाएगा उसको रिपीट कीजिएगा उस गुरु ने रमत लाला नंबर वन अपनी नेमतों को याद करो काउंट योर ब्लेसिंग्स काउंट योर ब्लेसिंग्स एक्नॉलेज योर ब्लेसिंग्स क्या मतलब है अल्लाह शुक्र का पैगाम दे रहा है वायन तो नमत ला ला तो अल्लाह की नेमतें गिनना चाहोगे शुमार नहीं कर सकोगे तो जब नेमतें हैं तो क्या करो उनसे याद दिहानी कबूल करो उनको इतराफ़ करो या शुक्र का हुक्म दे रही है आज दूसरी बात अपनी नेमतों का जिक्र करो नेमतों का जिक्र करना तकबर के लिए रिया के लिए दिखावे के लिए एग्जिबिशन डेमोस्ट्रेशन टू फ्लॉन्ट अर अपने फ़खर और इतराने के लिए नहीं है ये किसके लिए ये तहदीस नियमत के लिए वो जो अल्लाह कहता है वह अम्मा भी नमती रबी का फहदस कि नमतों का इजहार करो इतराफ़ करो तुम नमतों का इतराफ़ करोगे तो ये खामोश दावत होगी लोगों को भी शब सबर की और शुक्र की तरगीब होगी ये दूसरा मतलब दूसरी बात अपनी नमतों से याद दहानी कबूल करो कि वो तुम्हें इतनी नेमतों से माला माल करता है वो तुम्हारा मोसिन है तुम्हारा रब तुम्हारा पालनहार है तो फिर उस मोसिन की मोहब्बत से सरशार हो कि उसकी पहले से ज़्यादा बंदगी और अतात करो और सब्र करो और फिर ये जो अल्लाह कहते हैं ना उस करू नमत अलई कुम जो तुम पर नेमतें हैं ना उनको याद करो दूसरों की नेमतें देखकर हसद कीने बुगज और जेलसी का शिकार ना हो वो जो हमें तसवुर समझाया गया ना कि इल्म और इबादत में अपने से ऊपर वाले को देखो और नेमत में अपने से नीचे वाले को देखो नेमत में नीचे वाले को देखने का मतलब ये नहीं है कि उसकी नेमतों की कमी देख कर तुम तकबर करने लगो अपने आप को बरतर और बेहतर और उसको हकीर और कमतर समझने लगो नहीं उसकी नियमतों की कमी देख तकबर के बग़ैर अपने दिल को शुक्र से भर लो तो जब भी ये आयत आए ये बुनियादी नक़ात जो हैं वो अपने जहनों में ये सबक और रसूल ज़रूर दोहरा लिया करें जो तुम पर उसने एहसाना किए उन्हें याद रखो क्या अल्लाह के सिवा कोई खालिक है जो तुम्हें ज़मीन से रिश देता हूँ कोई महूद इसके सिवा नहीं है आखिर तुम कहाँ से धोखा खा रहे हो अब अगर ये लोग तुम्हें जुटलाते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है तुमसे पहले बहुत से रसूल जुटलाए जा चुके हैं और सारे माकलात आखिर अल्लाह ही की तरफ़ रजू होने वाले हैं लोगों अल्लाह का वादा हक है दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले और वो बड़ा धोखेबाज़ कौन शैतान भी तुम्हें धोखे में ना डाले शैतान मुख्तलि तरीक़ों से दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत में धोखे में डालता है ना कभी वो कहता है चार दिनों की ज़िंदगी खा लो पी लो मौ जुड़ा लो फिर फिर कभी वो कहते हैं मेरी जिंदगी तुम्हें इससे क्या हुँ? फिर वो वो जो अशारे वो कहते हैं बाबर भैस पोश के आलम दोबारा नीस खा लो पी लो पता नहीं जिंदगी फिर मिलनी भी है कि नहीं और फिर बहुत दफ़ा कुरान पढ़ने वालों और मुसलमानों को वो ये इस किस्म के धोखे डालता है कि अल्लाह तो बड़ा ही गफूर रहीम है अल्लाह तो बड़ा ही गाफिर ज़म्ब है उसने सारों को ही माफ़ कर देना है और फिर ये वो शैतान वसव से डालता है लो भला कभी माँ अपने बच्चे को आग में डाल सकी है अल्लाह तो अलदूद इतनी मोहब्बत करने वाले है। वो कभी अपने बंदों को जहन्नुम की आग में डालेगा कोई नहीं कोई नहीं डालना ही कोई नहीं उसने अल्लाह कुरान में कहते हैं शैतान की पैरवी करोगे तो मैं शैतान समेत सारे पैरोकारों को जहन्नुम में डाल दूँगा लेकिन शैतान इस किस्म के वसव से डालते हैं फिर शैतान ये उम्मीदें दिल आता है वो तुम तो कलमा गो तुम तो के दिन उम्मती, उम्मती कहते कहते ही निकल जाओगे तुम्हें तो शिफात ने बचा लेना है ये सारे के सारे उम्मीदें और गलत जो बातें जिस पर उम्मत तकिया लगा के बैठती है ये सारे ही धोखे सारे ही धोखे डालते हैं रबी आऊजुबिका मिनहजा शयातीन रबी जरूनी अल्लाह सिर्फ हमें नहीं हमारी औलादों और ज़ुरियतों को भी इन शैतान के वसवसों से बचा दर हकीकत शैतान तुम्हारा दुश्मन है इसलिए तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो वो तो अपने पैरों को अपनी राह पर इसलिए बुला रहा है कि वो दोस्ती में शामिल हो जाएं जो लोग कुफर करके उन करते हैं उनके लिए सख्त अजाब और जो ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे उनके लिए मकफ़रत और बड़ा अज़र है रब फिर वरहम वन तेर उ राह भला कुछ ठिकाना है उस शख्स की गुमराही का जिसके लिए उसका बुरा अमल ही खुशनुमा बना दिया गया और वो समझ भी रहा हो अच्छा हकीकत यह है कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में डालता है और जिसे चाहता है राख रास् दिखाता है अल्लाह इख तिन से रौतलमुस्तकीम बस खाम खा मखा तुम्हारी जान लोगों की खातिर गम और अफसोस में ना घुले जो कुछ एक कर रही है ना अल्लाह उसको जानता है वो अल्लाह ही तो है जो हवाओं को भेजता है फिर वो बादल उठाती हैं फिर उसे उजाड़ ला की तरफ ले जाते हैं और इसी जमीन को जिला उठाते हैं जो मरी पड़ी है मरे हुए इंसानों का जी उठना भी इसी तरह होगा जो इज्जत चाहता है उसे मालूम होना चाहिए कि इज़्ज़त सारी की सारी अल्लाह की है अल्लाह तो अलमोज़ है अल्लाह इज़्ज़ो तो्ज़ मनतशाउ तो मताऊ अल्लाह दुनिया की ज़िलतों और रुसवाइयों से बचाना अल्लाह इज़्ज़त तेरे हाथ में है अल्लाह तूने दुनिया में इतनी इज़्ज़तें दे दी अल्लाह इतने ऐबों पर्दा डाल दिया अल्लाह क़यामत के दिन की ज़द्लतों और रुसवाइयों से बचाना अल्लाह तो तो उस दिन भी हमारे ऐबों परदा ही डाल देना अल्लाह के हां जो चीज ऊपर चढ़ती है वो सिर्फ पाकिजा कौन है और अमले सवाले उसको ऊपर चढ़ाता है इस आयत नंबर दस में अल्लाह सुबहाना ताला ने अपनी एक सुन्नत और एक फलसफे की हकीकत समझाई है कि जो चीज ऊपर चढ़ती है वो किस बुनियाद पर एक तो पाकिजा कलमा यानी कलमा तयबा मुराद ईमान ईमान की बुनियाद पर वो चीज़ चढ़ती है और दूसरी नेक अमल अमाल सुलह उसको ऊपर चढ़ाने का ज़रिया बनता है ईमान और आमाल साल चीज़ों को ऊपर यानी आसमान अरश इलाही तक चढ़ाने का ज़रिया बनते हैं कौन सी चीज़ें ऊपर चढ़ती है? हैं आमाल ऊपर चढ़ते हैं इबादत और अमाल ऊपर चढ़ते हैं दुआएँ अल्लाह के अश तक पहुँचती हैं और रूहों को आसमान के दरवाज़ों से चढ़ा के इलीहीन तक पहुँचाया जाता है और इन तीनों चीज़ों के लिए आसमान के दरवाज़ों का खुलना और उनका आसमान पर चढ़ना मुमकिन ईमान और अमले सवाले ही बनाते हैं अगर आप देखें तो नेकमाल नेकमाल के हवाले से हमें पता चलता है ना कि हर पीर और हर जमेर को लोगों के अमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं और हर फजर और असर की नमाज़ पर जो फरिश्तों की ड्यूटीज़ चेंज होती हैं तो भी अमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं ये पीर और जमेरत को अमाल का पेश किया जाना ही तो है जिसकी वजह से रसोल व की सुनत थी कि वो पीर और जमेर के दिन रोज़े की हालत में थे हुआ करते थे और ये मजनू रोज़ा था और आपने निशानदे फरमाई थी कि मैं चाहता हूं कि जब मेरे अमाल जिस दिन अल्लाह के हजूर पेश किए जाए उस दिन मैं रोजे की हालत में हूं तो ये अमाल का पेश किया जाना है और आपको मालूम है कौन से अमाल के लिए आसमान का दरवाज़ा खुलता है और कौन से अमाल को वमा अदरा का जन्नत के एक दफ्तर में कौन से अमल पहुँचते हैं नेक अमल मोमिनों के साहिब ईमान अफराद के नेक अमल के लिए आसमान के दरवाज़े खुलते हैं और नेक अमाल को में पहुँचा दिया जाता है जो गुना का गुना का अमल है जो ईमान नहीं रखते काफरों के और जो गुनाह के अमल हैं के लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खोला जाता और उनको पटक के जमीन के नीचे एक दफ्तर है जिनके लिए अल्लाह कुरान में कहते वीन तुम्हें क्या पता सिन क्या ये गुनाहों का एक दफ्तर है जो जमीन के नीचे तो अमाल को आसमान तक पहुंचे पहुंचाने के लिए क्या जरूरी है अमल ज़रूरी है और उन कुरान, उन अमाल का कुरान और हदीस के पैमाने के मुताबिक अमले साल होना ज़रूरी है तो ही वो नेकियों के दफ्तर इलीजिन में पहुँचेंगे और दुआओं के लिए आसमान के दरवाज़े कब खुलते हैं नेक आमाल किसी भी नए कमल के बाद जब दुआ की जाती है तो उसके लिए आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं इंशाल्लाह बात होगी दुआ पर तो दुआ के कबूलियत के नुस्खों पे भी बात करूंगी लेकिन आपको दोहराएं अगर यहाँ पे मुख्तरा एक खुलासा ले लें तो दुआएं कौन कौन से नेक अमल के बाद कबूल होती हैं आज़ान और अकामत के दरमियान अजान का जवाब देने के बाद वजू करने के बाद नमाज के कयाम रकूज सजूद में नमाज से सलाम फेरने के बाद तशक्त के तहजद के वक्त इसी तरह शहरी और इफ्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआएँ कबूल होती हैं जुम्मे के दिन दुआएँ कबूल होती हैं और फिर अगर हम देखें तो हाजी की दुआएँ कबूल होती हैं हज के दिनों दिनों में दुआएँ कबूल होती हैं मुजाहिदीन दुआएं कबूल होती हैं तो ये सब क्या है सदका खैर और जक़ात की राम करने के बाद हैं तस्बी के बाद दरुद के बाद, बाद सूर्य फ़ातहा की तलावत ये सब क्या है दुआओं को ऊपर उठाने और आसमान के दरवाज़े खोलने और दुआओं को अच्छे तक रसाई पाने का बनते हैं अल्लाह हमें दुआएं करने और दुआओं की कबूलियत के नुस्ख़े याद रख के करने की तोफ़ी कता फरमा और फिर रूहें रूहें आसमान तक चढ़ती हैं याद रखिएगा अभी आगे भी मैं रुदात बताऊंगी नेक और साहिब ईमान की अरवाब वो लोग जो साहिब ईमान हैं और जिनके पास अमले सालिया की ऐसी खेती है कि उनके अमाल हर मंडे और हर थर्सडे को इली में तो जहाँ नेकियों का अमाल नामा है वहीं रूह के लिए भी आसमान के दरवाज़े खोल दिए है जाते हैं अल्लाह फरमाता है रहे वो लोग जो बेहूदा चालबाजियाँ करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है और उनका मकर खुद ही गारित होने वाला है अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया फिर नुतफ़े से फिर तुम्हारे जोड़े बना दिए कोई औरत हामला नहीं होती और ना बच्चा जनती है मगर अल्लाह के इल्म में है कोई उम्र पाने वाला उम्र नहीं पाता और ना किसी की उम्र में कुछ कमी होती है मगर ये किताब में लिखा है ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है पानी के दो तो जख़ीरे यकसा नहीं हैं एक मीठा प्याज बुझाने वाला ये कौन सा है दरियाओं का पानी पीछे बात हो चुकी है दूसरा सख्त खारी ये कौन सा है समुद्रों का पानी सख्त खारी के हलक छील दे मगर दोनों से ही तुम तरो ताज़ा गोश्त हासिल करते हो पहनने के लिए जीनत का सामान निकालते हो और इसी पानी में देखते हो कि कश्तियाँ उसका सीना चीरती चली जा रही हैं क्यों ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो वो दिन के अंदर रात को रात के अंदर दिन को परोता हुआ ले आता है चाँद और सूरज को उसने मुश्र कर रखा है ये सब कुछ एक पक्ते मुकर तक चले जा रहे हैं वही अल्लाह जिसके ये काम है तुम्हारा रब है बादशाही उसी की है उसको छोड़ के जिनको तुम पुकारते हो किन किन को पुकारा जाता है कोई सूरज को कोई चांद को कोई बुतों को कोई देवताओं को कोई देवतियों को कोई कब्रों वालों को पुकारता है तो सब जिनको अल्लाह के अलावा पुकारते जाते हैं उनका उनका जवाब दिया जा रहा है वो तो एक परे का के भी मालिक नहीं है उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी दुआएं सुनते भी नहीं है अच्छा अगर तुम्हारा ख्याल है कि शायद कब्रों वाले सुनते हैं तो सुन के कोई जवाब तो नहीं दे सकते क़यामत के रोज़ तुम्हारी का इनकार कर देंगे हकीकत हाल की ऐसी खबर तुम्हें ख़बरदार के सिवा कोई नहीं दे सकता लोगो तुम अल्लाह के मोहताज़ हो अल्लाह अपने अलावा और किसी का मोहताज़ ना करना तुम अल्लाह के मोहताज हो अल्लाह गनी और हमीद है वो चाहे तो तुम्हें हटाकर कोई नई खलकत ले आए ऐसा करना उसके लिए कुछ भी दुश्वार नहीं कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा अरे ये तो दुनिया की हकीकत है दुनिया में कौन किसी का बोझ उठाता है शॉपिंग करने के लिए जाते हैं अपनी मनपसंद की चीज़ें अपनी बड़ी पसंदीदा चीज़ें अपना महबूब माल के खर्च करके जो है वो ख़रीदते हैं और शॉपिंग का माल कई दफ़ा उठाना मुश्किल होता

अपना वज़न उठाना मुश्किल हो जाता है बहुत दफ़ा आपने देखा है ज़रा सा हमारा जिसम भारी भरकम हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे अपने घुटने और हमारे अपने जोड़ जवाब देने लगते दुनिया में कोई किसी का वज़न नहीं उठाता माँ बच्चे को उठाती है ना तो हाँपने कांपने लगती है माँ का वज़न ज़रा सा बढ़ जाए माँ बेड रिडन हो जाए तो बहू बेटियाँ कहने लगती हैं दो मन की लाश को कौन उठाए अरे दुनिया में नहीं कोई किसी का वज़न उठाता क़यामत के दिन कयामत के दिन और वो वज़न कयामत के दिन गुनाहों का वज़न कैसा होगा गंदा बदबूदार इतना भारी और गंदा वज़न और वो जब पिंडली से पिंडली जुड़ी होगी और सूरज सवारे पर होगा और लोग अपने अमाल के मुताबिक पिंडली और पसीनों में डूबे होंगे नबी भी नफसी नफसी पुकार रहे होंगे और ये आमाल नामा जिसके तुलने पर जहन्नुम की वईद है ये बोझ कोई उठाएगा कोई नहीं उठाएगा रोज अपना महासभा किया करें क्यामत के दिन गुनाहों को वजन दे दिया जाएगा ऐसे सोचा करें कि जैसे रोज ना मैं अपने गुनाहों के आमाल नामे में उस उस गुनाहों की जम्बेल या थैले में रोज कुछ पत्थर डालती हूँ शाम को अपना महासभा करके सोचा करें कि मैंने आज जो गुनाहों के पत्थर उस जंबेल में डाले क्या मैं सिर्फ आज के उन पत्थरों को उठा सकती हूँ उन कमज़ोर कंधों पर हफ्ते के बाद फिर अपना मुहासबा किया करें कि पूरे हफ्ते के अंदर उस गुनाहों का बोझ जो मैंने जमा किया है वह मैं क्या दुनिया की जिंदगी में उसको उठा सकती हूँ कि मैदान हशर में उठाने के काबिल होंगी अल्लाह महासिबना अपना महासबा किया करें कसरत से किया करें और फिर अगर वजन ज्यादा लगे तो कसरत से इस्तार करके इन गुनाहों के बोझ को घटा के अपनाने का तरीका अख्तियार किया करें अगर कोई लता व नफस अपने बोझ उठाने के लिए पुकारेगा बिना उसके बार का एक अदना हिस्सा भी बटाने के लिए कोई नहीं आएगा चाहे वो करीब तरीन रिश्तेदार क्यों ना हो तुम सिर्फ इनको मुतनबे कर सकते हो जो बे देखे अपने रब को देखें को से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं जो पाकिज की इख्तियार करता है अपनी भलाई के लिए करता है पलटना तो सबको अल्लाह की तरफ है अंधा आँखों वाला बराबर नहीं है तारिकियाँ रोशनियाँ बराबर नहीं हैं ठंडी छाँव और धूप की तपिश बराबर नहीं है जिंदे मुर्दे बराबर नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है सुनवाता है मगर तुम उनको नहीं सुना सकते हो जो कब्रों में मदफून है तुम तो खबरदार करने वाले हो हमने तुम्हें हक़ के साथ भेजा है खुशखबरी देने वाला डराने वाला कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी है जिसमें मुतनबे करने वाला ना आया हो अब अगर ये लोग तुम्हें जुटलाते हैं तो इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी जुटला चुके हैं उनके पास उनके रसूल खुले खुले दलाइल सखीफे रोशन हदयात वाली किताब लेकर आए फिर जिन लोगों ने ना माना उनको मैंने पकड़ लिया और देख लो मेरी सज़ा कैसी सख्ती क्या तुम देखते नहीं हो अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है उसके ज़रिए से हम तरह तरह के फल निकालते हैं जिनके रंग मुख्तलिफ़ होते हैं पहाड़ों में भी सुर्ख सफ़ेद स्याह धारियाँ जिनके रंग मुख्तलिफ हैं इसी तरह इंसानों और जानवरों और मवेशियों के भी रंग मुख्तलिफ हैं हकीकत ये है कि अल्लाह बंदों में सिर्फ़ अल्लाह के बंदों में सिर्फ़ म रखने वाले लोग ही उससे डरते हैं अल्लाह हमें उनमें बना दे अल्लाह मति नफ़सी तकवाहाम आति नफसी तकवाहा रबनी अल्लाम इजाफा फरमा अल्लाह उस इल्म इजाफा फरमा के उस पर अमल की तोफीक़ा फरमा याद रखिए जब इल्म आता है ना तो वो दस्तक देता है अगर अमल आ जाए तो इल्म रुक जाता है और अगर अमल ना आए तो इल्म भी रुखसत हो जाता है बेशक अल्लाह ज़बरदस्त और दरगुजर करने वाला है जो लोग किताब अल्लाह की तलावत करते हैं नमाज कायम करते हैं और जो कुछ रिश दी है उसमें खुले छुपे खर्च करते हैं यकीनन वो एक ऐसी तिजारत के मुतवक्के हैं जिसमें हरगिज़ खसारा नहीं होगा अल्लाह जन्नत का जन्नत का सौदागर बना दे जन्नत का ताजिर बना दे उसका हरीस बना दे अल्लाह जन्नत के तजारत और सौदे के लिए अपने तन मन धन अवकात सलाहियतें दाद नमतें पेश करने की तोफीक अता फरमा दे जो पेश करते हैं उसको कबूल फरमा के उसी को जन्नत के घर की कीमत बना के अल्लाह हमें जन्नत में दाखिले के परवाने अता फरमा दे इस तजारत में उन्होंने अपना सब कुछ क्यों खपाया ताकि अल्लाह उनके अचर पूरे पूरे उनको दे और मज़ीद अपने फ़सल से नवाजे बेशक अल्लाह गफूर ग्बूरशूर है जो किताब हमने तुम्हारी तरफ़ वकी के ज़रिए भेजी है वो हक़ है तस्दीक करती हुई आई है उन किताबों की जो पहले से आई थी अल्लाह अपने बंदों के हाल से बाखबर और हर चीज़ पर निगाह रखने वाला है फिर हमने इस किताब का वारिस बना दिया उन लोगों को जिन्हें हमने वरासत के लिए अपने बंदों में चुना था आगे से तीन कैटेगरीज़ के लोग कुरान के साथ जुड़ते हैं कुरान की नशस्तों और महफिलों के साथ जुड़ते हैं सब एक जैसे नहीं हैं कोई कौन है अब तो कोई कोई तो उनमें से है जो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला है जुल्म क्या है कुरान को पढ़ा पढ़ाया सीखा समझा लेकिन क्या किया अमल नहीं किया कुरान को तो माना लेकिन उसकी नहीं मानी अपने ऊपर किया कोई बीच की रास के हैं ये मॉडरेट्स हैं ना पूरे इधर ना पूरे उधर और कोई अल्लाह के इज़्ज़त से नेकियों में सब कत करने वाले हैं यही बड़ा फसल है कहाँ जाएंगे हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनमें ये दाखिल होंगे वहाँ सोने के कंगनों से मोतियों से आरास्ता किया जाएगा वहाँ उनका लिबास रेशम का होगा और वो क्या कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती जन्नतें जब जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहेंगे हाँ आप देखें कितना लंबा सफर तय करके मौत कबर हशर हिसाब पुल सिरात इतना मुश्किल सफ़र तय करके जन्नत में पहुँचेंगे तो क्या ख्याल है बनता है कि नहीं बनता अल्हदल्ला कहना ज़रा सा यहाँ से पिंडी तक का सफ़र करते हैं सामान रखते हैं शुक्र है, है अलहमद घर पहुँचे ये तो इतना लंबा जान जोखों का सफ़र तय करके जन्नत में पहुँचेंगे कहेंगे अल्हद शुक्र है उस जो हन्नम के सिरात के ऊपर से गुजर के निकल आए हैं ये अलहमद कहेंगे और वैसे भी जन्नत की नेमतें है कैसी हैं वो न किसी आँख ने देखी ना कान ने सुनी ना दिल ने महफूज़ की है जब इतनी नेमतों को देखेंगे तो अलहद ही तो कहेंगे और इसलिए भी कहेंगे कि दुनिया में भी आदित नेमतों के मिलने पर शुक्र करने और जिक्र करने और अल्हम्दुलिल्लाह कहने के हदीस में आता है कि अल्लाह जबाना ताली जन्नति पर तस्बी को और जिक्र को ऐसे इल्हाम कर देंगे जैसे दुनिया में सांस को इल्हाम किया जाता है जैसे हम यहाँ पे सांस लेते हैं ना ऑटोमेटिकली डू वी हैव टू थिंक कि अब मैंने ब्रीद इन करना है अब मैंने ब्रीद आउट करना है नहीं ना खुद से खुद वो सांस का मामला होता है तो इसी तरह जन्नतियों पर भी सांस की तरह तस्वी इल्हाम कर दी जाएगी और ये जो दुआ है ना आयत नंबर 34 में शरा फातिर के ये नबी अलैहि वसल्लम की सुन्नती के खुशखबरी के मौके पर जब कोई तकलीफ़ करती थी कोई खुशखबरी मिलती थी कोई कामयाबी कोई सक्सेस किसी तकलीफ़ का कट जाना किसी नेमत का शामिल हाल होना तो खुशखबरी के मिलने पर आप ये दुआ पढ़ते थे अलहमदिल्लाजी अजहबा अन हसन इन्ना रबाना लगभू शकूर अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे गम दूर कर दिया हमारा रब माफ़ करने वाला और कदरदान है कदर फरमाने वाला है जिसने हमें अपने फ़जल से अबदी क़याम की जगह ठहरा दिया अब ना यहाँ हमें कोई मुशक्क़त पेश आती और ना थकान जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए जहन्नुम की आग है अल्लामा जरना मना नार ना उनका किस्सा पाक किया जाएगा ना वो मरेंगे ना उनके लिए जहन्नुम के अज़ाब में कोई कमी है इस तरह हम बदला देते हैं हर उस शख्स को जो कुफ़र करने वाला है वो चीख चीख कर कहेंगे है हमारे रब हमें यहाँ से निकाल दे ताकि हम नेक अमल करें मामाल से मुख्तलिफ जो हम पहले करते थे जवाब होगा क्या हमने तुम्हें उम्र नहीं दी थी किसी को चालीस किसी को पचास किसी को अस्सी साल के तुम्हें इतनी उम्र नहीं मिली थी कि तुम उसमें कोई सबक लेना चाहते तो ले सकते थे और तुम्हारे पास मुतनबे करने वाले भी तो आए थे अब मजा चखो जालमों का कोई मददगार बेशक अल्लाह आसमानों और ज़मीनों की हर पोशीदा चीज़ से वाकिफ़ है वो तो सीनों के राज भी जानता है वही तो है जिसने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया अब जो कुफर करता है उसके कुफर का वबाल उस पर है और काफिरों को उनके कुफर के सिवा कोई तरक्की नहीं देता उनका रब का गज़ब उस पर ज़्यादा भड़कता चला जाता है काफरों के लिए खसारे के अजाफे के सिवा कोई तरक्की नहीं उनसे कहो कभी तुमने देखा देखा भी है उन शरीकों को जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो मुझे बताओ उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया आसमानों में क्या शिरकत है हमने उन्हें कोई तहरीर के दी है जिसके बिना पर कोई ये सनत रखते हैं नहीं ये में एक दूसरे को महज फरेब के झांसे दे रहे हैं हकीकत यह है कि अल्लाह ही जो आसमानों और जमीनों को टल जाने से रोके हुए और अगर वो टल जाए तो अल्लाह के बाद कोई दूसरा उन्हें थामने वाला नहीं बेशक वो हलीम और गफूर है ये लोग कड़े कड़े कस्में खाकर कहते हैं कि अगर कोई मुतनबे करने वाला उनके यहाँ आ गया होता तो वो दुनिया की हर कौम से बढ़ के राह राहरास्त पर होते मगर जब मुतनबे करने वाला आया तो उसकी आमद ने उनके अंदर हक़ से फरार के सिवा किसी चीज़ में इजाफा ही नहीं किया ये ज़मीन में और तकबर करने और बुरी बुरी चालें चलने लगे और बुरी चालें तो अपने चालों व चालें चलने वालों को ले बैठती हैं अब क्या ये लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि पिछली कौमों के साथ अल्लाह का जो तरीका रहा है वही उनके साथ भी बरता जाए यही बात है तो अल्लाह तुम अल्लाह के तरीक़े में कोई तब्दीली नहीं पाओगे और तुम कभी नहीं देखोगे कि अल्लाह की सुन्नत को उसके मुकर्र रास्ते से कोई ताकत फेर सकती है क्या ये लोग ज़मीन में कभी नहीं चले फिर क्यों उन लोगों का अंजाम नज़र आता जो उनसे पहले गुजर चुके हैं और ताकतवर थे अल्लाह को कोई चीज़ आजिज़ करने वाली नहीं है ना आसमानों में ना ज़मीनों में वो सब कुछ जानता और खुद रखने वाला है अगर कहीं वो लोगों को उनके करतूतों पर पकड़ता तो ज़मीन पर किस किसी मुतनफिस को ना छोड़ता मगर वो एक मुकर वक्त तक के लिए मोहलत दे रहा है फिर जब उनका वक्त पूरा आ जाएगा तो अल्लाह अपने बंदों को देख लेगा अल्लाह महासिबनाक खिसा बसरा अल्लाह जब वक्त पूरा हो तो अल्लाह हमारा वली बन जाना अल्लाह अगले मरलों को आसान कर देना अल्लाह अगले मस मरलों की आसानी की फ़िक्र अता फ़रमा उसके लिए खेती जमा करने की तोफ़ी अताफ़रमा अल्लाह मायन अलामरा तिल मऊत मसक़रा तिल मऊत आमीन या आलमीन सरा यासीन मक् सूरत पाँच रकुआत 83 थ्री आयात थर्टी नंबर पर आने वाली सूरत नाम इस हवाले से कि बिल्कुल इब्तदा में जो हरूफ मक्तात हैं उसी हवाले से इसका नाम अगर जमाना नजूल देखा जाए तो मक्का के आखिरी दौर जो थर्ड और लास्ट पीरियड है उसमें नाजिल होने वाली सूरत है इसका बुनियादी मजमून अगर हम देखें तो जो दलाइल दिए गए हैं कारी क़ुरान को वो अक़ीद तोहद अकद रसालत और अकीद आखरत ईमान बिल्लामान बिल रसुल और इमान बिल आखरा इन मजबूत करने और इन अकायद को दुरुस्त करने के दलाइल दिए गए अगर सरा यासिन की फ़ज़ीलत के हवाले से कुछ अदीस हम दोहराएँ तो हज़रत नस् रज़ील्ल्लू की रवायत से खदीस हैं कि आप सल अल्लाह वम ने फ़रमाया हर चीज़ का एक दिल होता है हर चीज का एक कल्ब एक दिल होता है और कुरान का दिल क्या है यासीन कल्बल कुरान कुरान का दिल कल्बुल कुरान शरा यासीन को इस हवाले से कहा गया कि आप देखें दिल जो है ना वो इंसान के जिस्म के तहर्रुक उसकी तहरुक और उसका रूह रवा होता है दिल की धड़कन ही के साथ पूरे जिसम के अंदर खरारत ज़िंदगी और एक रूह जो है वो कायम रहती है तो सूर्य यासीन के बुनियादी जो तीन मजामी हैंकदीद तोहीद, रसालत और आखरत ये तीन मजामी ही बुनियादी तौर पर कुरान की रूह रवा हैं यी तीन मजामीन और यकी तीन अकायद एक मुसलमान की ज़िंदगी को तहरक भी देते हैं उसकी रूह के अंदर एक हलचल भी पैदा करते हैं और उसी की जिंदगी में उसकी ज़िंदगी में इस्लाम का तहर्रक भी कायम रखते हैं तो इस हवाले से इसको कलबुल क़ुरान कहा गया इसी तरह एक हदीस के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख्स सूरह ये सही हसन हदीस से साबित है कि जो शख़्स सूरह यासीन को एक दफ़ा पढ़ता है उसको दस दफ़ा कुरान पढ़ने का अजर दिया जाता है इसी तरह सूरह यासीन के लिए अल्फाज हैं हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह तु के हवाले से कि जो शख्स सूरह यासीन को ऐसे पढ़ता है जैसे इसको नाजिल किया गया यानी सही लबो लहजे में जैसे आपने फ़रमाया ना इकरा उ नबीन अरब सही जैसे और तजवीज से इसको अदा करता है तो उसके सबका सारे गुना बख्श दिए जाते हैं और हज़रत मौकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह तन की रवायत से मुस्न्द अहमद में इब्ने माजा में और अबू दाऊद में एक हसन हदीस है जिसमें फ़रमाया गया कुराना अला माउताकुम कम के सूरा यासिन को वो लोग जो बिल्कुल वफ़ात के मरहले के करीब हालत नज़ाम में जो लोग हैं उन पर सरा यासन को पढ़ा करो इसके बारे में कुछ इख्त राय तो ज़रूर है लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि सूरा यासिन का जो मजमून है वो शख़्स जो ज़िंदगी और मौत की बेहोशियों में है हालत नजा में है वो शख्स और उसके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग उनको जब ये सूरा यासिन अरबी के साथ और हमारे माशरे में ख़ास तौर पर अगर उर्दू के तर्जुमे के साथ सुनाई जाए तो जो तीन बुनियादी तस्वूर और मजामी खुलासे की शक्ल में सूरा यासिन के हैं ये उस मौके पर एक बहुत पोटेंट और इफ़ेक्टिव पैगाम और मैसेज देने का जरिया बनती है ये सूरा यासन हर शख़्स को जिसके पास ज़िंदगी की मोलतमल है या वो शख़्स जो ज़िंदगी और मौत की कश्म में है दोनों में से किसी पर भी जब यह पढ़ी जाती है तो ये सूरत उसको अपने अगले सफ़र सफ़र अदम की फ़िक्र भी पैदा करती है और सफ़र अदम के लिए जो सवालात के जवाब ज़रूरी हैं उन जवाबों का की तैयारी भी करवाती हर शख़्स को अमल जिंदगी में मौत से पहले ये उन सवालों का जवाब भी करवाती है और उस सफ़र अदम के लिए जो सामान और ज़्यादा राह चाहिए उसकी तैयारी का एहतमाम भी करवाती है जैसे अगर मैं आपको वो पूरा मरहला सही हदीस है लेकिन वो तवील हदीस है तो उसका ख़ुलासा मैं आपको अगर आप अपने अल्फाज में बताऊं कि मौत के बाद के मरल कोकार के लिए कैसे और गुनाहगार के लिए कैसे और कैसे ये सूरत उसकी तैयारी करवाती है रावी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वम एक जनाज़े के लिए तदफ़िन के लिए तशरीफ़ ले गए लेकिन अभी कबर की तैयारी जारी थी और अभी मैत को दफनाने का अमल शुरू नहीं हुआ था तो आप इसलिए इंतज़ार के लिए एक साइड पर बैठ गए सहाबा कराम आपली वल्म के गिरद जमा हो गए और उस मौके पर आपने मौके की मुनासबत से ये रूत आज सुनाई आपली वसम ने फरमाया कि जब किसी नेकोकार शख्स की मौत का वक्त वही जो हमने भी कहा ना कि ऊपर कौन सी चीज़ चढ़ाती है तो उसकी तशरी में यह हदीस है कि जब किसी नेक सवाल शख्स साहिब ईमान है और हमारे सवाल करने वाला शख्स है इसकी मौत का वक्त होता है तो आसमान से आसमान से ये याद रखिएगा कि मलिकुल मौत अकेले नहीं उनके साथ फरिश्तों के परे और फ़रिश्तों का एक गरोह आता है आपने फ़रमाया आसमान से इंतहाई खूबसूरत चेहरों वाले फ़रिश्ते मलिकुल मौत के साथ उतरते हैं जिन्होंने सफ़ेद खूबसूरत लिबास पहने होते हैं और उनके हाथों में खूबसूरत एक रेशम का रुमाल खुशबूदार नरम रेशम का रुमाल होता है वो मौत वो शख्स जिसकी मौत का हुक्म है वो उस शख्स से मुखातिब होता है और क्या कहता है कि निकल अपने रब की रज़ा के लिए रूह से मुखातिब होकर रूह की जान कुनी का उसको पैगाम देता है क़ुरान में आता है कि वो मलिकुल मौत उससे मुखातिब होकर कहते हैं सलाम अलैकुम मुदखुलुल जन्नत तबे मुम तमलून सलामती हो तुम पर तुम जन्नत में दाखिल हो जो अपने अमल की बुनियाद पर तो जब मौत उस रब की खुशनुदी की खबर देता है तो हदीस में आता है कि वह नेकोकार की रूह उसके जिस्म से इतनी आसानी से नरमी से और सहूलत से निकलती है कि आपने इतनी प्यारी मिसाल दी कि जैसे अगर खुशबू की बोतल का ढक्कन खोला जाता है तो जितनी आसानी से खुशबू उस बोतल से निकलती है वैसे इस मोमिन की रूह जिस्म से निकलती है मौत उसकी रूह को थामते हैं और फिर वो फरिश्ते जिनके हाथ में वो खुशबूदार रेशम का रुमाल है उसको रेशम के रुमाल में खुशबू लपेट कर उसको आसमान की तरफ ले जाते हैं हदीस में आता है कि आसमान से आने जाने वाले फरिश्ते की बाबत पूछते हैं तो उसके नेक अमल से उसका तारुफ करवाया जाता है ये इज्जतें हैं जो उसकी की जा रही ये वो जो नमाजी है ये वो जो बाया खातून थी खातून थी ये वो जिसके मामला और अखलाक बहुत अच्छे थे मेहमान नवाजी करने वाली थी शोहर और वालदे की अताते और खिदमतें करने वाली थी जो भी उसकी नेकिया ना उसके साथ उसका तारफ़ करवा आया जाता है और फिर आसमान के दरवाजे उस नेक शख्स की रूह के लिए खोल दिए जाते पीर और जमेरात को जहाँ यह शख्स अपने अमाल ट्रांसफ़र करता रहा ना नेक अमल इली में जहाँ इसका नामा है आमाल और उसके मुस्तबिल का सामान है ना ज़्यादा वहीं पर इसकी रूह को भी जन्नत के दफ्तर इली में पहुँचा दिया जाता है अल्लाह हमें उनमें बनाए और फिर आपने फ़रमाया कि ये रूह उसके बाद चीख चीख के उसके रिश्तेदारों और उसके सारे जो उस वक़्त वहाँ पर मौजूद होते हैं उनको मुखातिब होकर कहती है कि खुदा जल्दी मुझे मेरी अपदी क्याम गाह तक पहुँचा दो और फिर हदीस में आता है कि उसके रिश्तेदार उसके कराबदार उस मैत को कबर के हवाले करके अभी रुखसत ही हो रहे होते हैं कि मुनकर और नकीर आते हैं उस मैत को कबर में उठा के बिठाते हैं और उससे तीन सवाल करते हैं तुम्हारा रब कौन था तुम्हारा रसूल कौन था तुम्हारा दीन कौन था याद रखिएगा ये रटने या क्राम अप करने से ये सवालों के जवाब नहीं होंगे सही जवाबों की तौफीक उसी शख्स को मिलेगी जिसने अल्लाह को मान के अल्लाह की मानने और ओबीडियंस और अतात करके ज़िंदगी गुजारी हदीस और सुन्नत के रंग में अपनी ज़िंदगी को रंगा दीन महम्मद सल्ला वसलम के मुताबिक मुताक़ हयात और कोड ऑफ लाइफ को अडॉप्ट किया उसको इनशाला सही जवाबों की तोफ़ी होगी जो शख़्स तीनों सवालों के जवाब दुरुस्त देगा हदीस में आता है कि फरिश्ते क्या कहेंगे तू सो जा जैसे एक नई ब्याही हुई दुल्हन सोती है और हदीस बताती है कि वो शख़्स उसकी कबर रऊज़त जन्ना जन्नत के बाग़ों में से बाग बनेगी और फिर आसमान से एक निदा आएगी इसको जन्नत का लिबास जन्नत का बिछौना दे दो और इसकी कबर में जन्नत की तरफ खिड़की खोल दो अल्लाह हमें इन में बनाना हमारे प्यारों को इन में बनाना और फिर दूसरी रुदात आप अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर जो सुनाई कि जब किसी गुनागार की मौत का वक्त आता है ना फरमान सरकश काफिर की मौत का वक्त आता है तो आसमान से इंतहाई कभी हैबतनाक चेहरों वाले फ़रिश्ते उतरते हैं उनके हाथों में गंदा बदबूदार एक ट होता है और वो मलिकुल मौत जब उस रूह को निकलने के लिए कहता है तो वो रूह जिस्म के साथ चिमट जाती है है ना उसको तो खौफ है अब अगले सफर का जैसे एक मुजरिम को पुलिस पकड़ने के लिए आती है तो वो नहीं अपने आप को हवाले करता तो वह रूह जिसम से चिमट जाती है और हदीस में आता है कि मलिकुल मौत ऐसे डूब के उस रूह को उसके जिसम से खींच के निकालते तकफरल आपने तशबी दी कि जैसे गीली रुई को या गीली ऊन अगर एक कांटों वाली झाड़ियों में और खारदार झाड़ियों में चिपक जाती है ना और उसको खींच के निकालना मुश्किल होता है ऐसे मलिकुल मौत उस रूह को निकालता है और फिर वो साथ ही सारे फरिश्ते उसको गंदे बदबूदार टाट में लेकर जब ऊपर जाते हैं तो आने जाने वाले फ़रिश्तों के साथ उसकी उसके गुनाहों का तारुफ ये झूठी ये सुस्ती से नमाज़ें छोड़ने वाली ये बेपर्दगी की ज़िंदगी गुजारने वाली ये अपने अपने शोहर के साथ बद अखलाकी और अपनी अपनी सास के साथ बदजबानी करने वाली ये मेहमानों की मान नवाजी में मुख्तलफ उसकी जो गलत आते उसके साथ तारुफ उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते इसका नामा या कहाँ है इसके ज़्यादा डोमिनेंट अमल का है जीन में ना दफ्तर में तो इसकी रूह को भी पटख कर उस जीन में कैद कर दिया जाता है जहाँ मालामा जहाँ अगले सफ़र का ज़्यादे रा वहीं पर उस जीन में रूह को काफ़िर नाफरमान की कैद कर दिया जाता है और हदीस बताती है कि ये रूह चीख चीख कर कहती है अपने अकारबों और रिश्तेदारों को खुदा रहा मुझे मेरी कबर में ना पहुँचाओ यह आवाज़ जिनों के अलावा बाकी सारी मखलूक सुनती है हदीस में आता है कि वो उसको वहाँ पे कबर के हवाले करते हैं मुन नकीर आते हैं उससे सवाल पूछते हैं और उसके सवालों के जवाब दुरुस्त नहीं होते हदीस में आता है कि उसकी कबर उस मोमिन की कबर तो सत्तर हाथ कुशादा जन्नत का बाग बनती है ना हदीस में आता है कि उसकी खबर इतनी तंग हो जाती है अस्तफिरल्ला कि आपने यूँ अपने हाथों की मिसाल दी कि जैसे दोनों तरफ की पसलियाँ एक दूसरे के अंदर आ जाती हैं और फिर फरमाया

अल्लाम ने कब्री, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारे मराहिल के नज़ारे दिखा दिए अल्लाह इस दुनिया की आर्जी और छोटी छोटी हक़ीर फ़िक्रों और ग़मों और परेशानियों से हमें बेपरवाह करके अल्लाह हमें आखरत के सफ़र की फ़िक्र अता फ़रमा अल्लाह सफ़र आदम की तैयारी की तौफीक अता फ़रमा तो मैं आपको बताऊं मेरी बहनों सूरा यासीन इज़ लाइक वाट वो शख्स हर जिसके पास ज़िंदगी की मोहलत है वो वो जिंदगी और दुनिया की जिंदगी और मौत की बेहोशियों में जो शख्स मुब्तिला है उसके लिए भी बट इवन द रेस्ट ऑफ द पीपल जिनके पास जिंदगी की मोहलत है ये सूरत उनको सफ़र अदम के हवाले से उन सवालों के जवाब भी कर देती है और अगले सफ़र की ज़्यादा राह की तैयारी भी सवालों की शक्ल में करवाती है इट्स जस्ट लाइक कि कई दफ़ा मैं मिसाल देकर बात करती हूँ कि आप देखेंगे जैसे एग्ज़मिनेशन हॉल या कमरे इम्तान के बाहर जब स्टूडेंट्स खड़े हुए होते हैं तो उस वक्त लोग क्या पढ़ रहे होते हैं वो पता होता है ना कि जो फ़ाइनल रात को गैस आए हैं और जो कंपलसरी पेपर्स हैं उस वक़्त हम वही वही रिपीट कर रहे होते हैं ना ताकि जो इम्कान है कि सवाल आने हैं उनको हम आखिरी वक्त में पढ़ रहे होते हैं तो ये सूर्य यासिन रुख़त होने से पहले वो पहले जो सवाल किए जाने वाले हैं उन सवालों के जवाबों की तैयारी करवाती है और फिर अगला सफ़र जैसे कई दफ़ा हम में से किसी का बच्चा या कोई बहन भाई अमेरिका जा रहा है कहीं जा रहा है और वो पहली दफ़ा उसका सफ़र है तो वो माँ उसको कह रही होती है अच्छा मुझे बताओ पासपोर्ट रख लिया ना वीज़ा रख लिया ना इस सफ़र के लिए तुमने अपना जो तुम्हें करेंसी है वो तुम्हारे पास है ना कि उस सफ़र के लिए उसको जो जो प्री रिक्वेजि और उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो जाने वाला जो पहले एक्सपीरियंस कर चुका होता है वो उसको याद दहानी करवाता है सो दिस इज़ सूरा यासिन सफ़र अदम से पहले जिस जिसके पास उस सफ़र के आगाज़ से पहले मोलत हैं उस सफ़र की तैयारी करवाती है यह सूरत उसके ज़्यादा रात तैयार करवाने की रहनुमाई करवाती है सूर यासिन और पहले एसेंशियल क्वेश्चनर के तैयारी करवाती है तो ये हालत नज़ाम में मुबला शख्स के लिए भी पैगाम देती है और हम सब जिनके पास ज़िंदगी की मोहलतम है मौत के आने से पहले सफ़र अदम की तैयारी करवाने का मौजू है सूरा यासिन में इस पस मंज़र में हम सूरा यासिन का पैगाम पढ़ते हैं बिसम ला रही यासीन, कसम है क़ुरान हकीम की कि तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो और ये क़ुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करता है क्यों ताकि तुम खबरदार कर दो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा ख़बरदार नहीं किए गए थे और इसी वजह से वो गफलत में पड़े थे पहली छः आयात में गोया तीनों उन अकायद और ईमानियात का तस्करा अल्लाह ने अपना तारुफ अपनी सिफात का तारुफ कुरान का तारुफ़ कुरान की सिफात का तारुफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सिफात का तारुफ और क़ुरान को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्र आख़रत के मकसद से भेजे जाने का तारुफ तो गोया पहली छः की आयात में उन तीनों सवालों का जवाब एक खुलासे की शक्ल में दोहरा दिया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको डिटेल में समझाया गया ये सारे के सारे ईमान तीनों दुरुस्त करने के बाद आगे आयत नंबर सात में अल्लाह ने फरमाया कि उनमें से अक्सर लोग फैसला अजाब के मुस्तक हो चुके हैं क्योंकि वो ईमान नहीं लाते और फिर हर शख़्स को जिसके पास ज़िंदगी की मोलत है उसको अगले सफ़र से पहले ये बताया जा रहा है कि अगर तुम्हारे ईमान में कमी है तो उसके इसबाब उसके फैक्टर्स वन टू थ्री फोर ये हैं तो मैनलाइज कर लो ताकि अपने ईमान की कमी के इसबाब को समझ लो और अपने ईमान में इजाफे का तरीक़ा इख्तियार कर लो वो ईमान क्यों नहीं लाते अल्लाह कहता है हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दी है जिसमें वो थोड़ियों की तरह जकड़े हैं ये तोक कौन से हैं उनकी ख्वाहिशात के उनकी आर्जुओं के दुनिया की मोहब्बतों के उनके तकबर और घुमंड के तोक हैं वो किसी को खातिर में नहीं लाते वो सर उठाकर खड़े हैं हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी है ये किसकी है ये जिद और ढिटाई की दीवार है और एक दीवार उनके पीछे खड़ी कर दी है मुमकिन है, ये की अना परस्ती की दीवार है और ऊपर से हमने उनको ढांक दिया है ये ऊपर का ढांकना क्या है ये खुब दुनिया है ये लव ऑफ दिस वर्ल्डली लाइफ है इसकी मोहब्बत और इसकी महबूब चीजों की मोहब्बत है अब उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता उनके लिए यकस तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो ये नहीं मानेंगे गोया इस आयत में अल्लाह ने हर वो शख्स जिसके पास ज़िंदगी की अमल है उसको सफ़र अदम पर जाने से पहले उस मौत और ज़िंदगी की जो तज़ब्ज़ुब में है उसको भी हम जैसों सब को यह आयत समझा रही है कि अपने ईमान की कभी की जो वजूहत हैं उनको उनको असेस करो ईमान की कमी की वजूहत और कुफर की वजूहत हमेशा क्या होती हैं तकबर ज़िद्द और डिटाई अना और ईगोइम और दुनिया की मोहब्बत इसके अलावा कोई और वजह नहीं यही वजह हाथ हैं जो अल्लाह यहाँ पे समझा रहे हैं और ये शख्स जिसका जिसकी ये सिचुएशन बताई जा रही है ना ऐसे लगता है कि ये दाएं बाएं ऊपर नीचे कार तरफ से बंद है ऐसा लगता है कि जैसे एक अपने खुद के कैप्सूल में एक खुद के खौल में ज़िंदगी गुजार है जिसको ऊपर नीचे दाएँ बाएँ किसी चीज़ की खबर नहीं ऐसा ही होता ना एक खुद एक सेल्फिश एक एक ईगोइस्टिक, एक सेल्फ सेंटर्ड एक कंसीटेड बंदा जो है अनापरस्त बंदा जो है उसकी मिसाल दी जा रही है कि वो ज़िद्दी ढीठ मतकब्बर है उसको कोई ईमान नहीं मिलेगा तुम इसी शख्स को ख़बरदार कर सकते हो जो हमारी नसीहत की पैरवी करे और बे देखे खुदा रहमान से डरे उससे बख्शिश और अजर करीम की मिसाल दे दो तो। ये सारे ईमान की कमी वजह बताने के बाद अल्लाह ने आगे आयत नंबर 12 में बताया हम यकीनन एक रोज़ मर्तों को ज़िंदा करने वाले हैं ये खाम ख्याली जिस जिस के पास मोहलतम है ना अल्लाह हकीकत समझा रहे ये ना समझना कि तुम्हारे पास ज़िंदगी की मोलत है तो यहीं बैठे रहोगे यहाँ पे हमेश की नहीं है यहाँ के बाद मौत भी आएगी और ये भी मत समझना कि यहाँ की मौत काम तमाम कर देगी और किस्सा पाक कर देगी और उदाद मौत के बाद पूरी हो जाएगी ना दुनिया की ज़िंदगी हमेशा रहेगी दुनिया की जिंदगी का ख़ात्मा मौत के बाद है और दुनिया की मौत के बाद भी ज़िंदगी खत्म नहीं होगी आगे चलती रहेगी तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा और क्यों उठाया जाएगा क्योंकि इस दुनिया की जिंदगी में जो तुम्हारा नामा अमल कच्चा चिट्ठा है उसको रिकॉर्ड करवाया जा रहा है सारी हकीकतें हालत नजा वाले को भी दोहराई जा रही हैं हर जिंदा को उस जिंदगी की मोलत अमल में समझाई जा रही है सफर आदम की रुकीकत तुम्हें फिर उठाया जाएगा और उठा के क्या किया जाएगा अल्लाह फरमाता है इन्ना नखन नखिल मौता व नक्तबु मा मकद्दम व आसारहुम सारम कुल्ला शैय ना स्वयन होफ़ी इमाम सूरा यासिन के ये या आयत नंबर बारह मैं आपको दिल पे हाथ रख के कहती हूँ कि अगर हमें इस आयत का ही मतलब समझ आ जाए और इस आयत के खौफ और तकवा के मुताबिक ही हम जिंदगी गुजारने लगे ना तो तज़किया हो जाएगा बहुत ज्यादा तकवा के लायक है अल्लाह फरमाते कि तुम्हें जिंदा इसलिए करेंगे कि जो जो तुम्हारी कार गुज़ारियाँ, तुम्हारे अमल थे ना उनको लिखवाया जा रहा है लिखने के लिए कौन से फरिश्ते हैं करामन का तबीन है ना वो दाया नेकियों का अमाल नामा और बाया जो है वो गुनाहों का अमाल नामा लिखेगा और अल्लाह ने उनको लिखने के तरीके भी तो बताए हैं दोहराएं अल्लाह ने नेकियों के अमाल नामा लिखने वाले फरिश्ते को कहा है कि अगर मेरा बंदा नेकी का इरादा करे तो एक नेकी लिख लेना और अगर नेकी का अमल कर ले तो कम अज़ कम दस गुना नेकियाँ लिख लेना उसकी रहमत है ना वो जो वादा भी अल्लाह ने किया था शब माज के मौके पर और कुरान में भी अशर हम साल के हवाले से और फिर वादा क्या है इनको जो गुनाहों का अमाल नामा लिखते हैं उनको हुक्म है कि मेरा बंदा गुनाह का इरादा करे अदल का तकासा क्या था कि उस पर भी एक गुनाह लिखा जाए ना लेकिन फ़रिश्तों को कह दिया गया अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है ना तो फरिश्तों को कह दिया गया कि अगर बंदा गुनाह का इरादा करे तो कुछ ना लिखना और अगर गुनाह कर ले हालांकि इतनी बड़ी ज़ात की नाफरमानी की है अदल का तकाजा ये बनता था कि अगर नेकी पर दस गुना आजर है तो गुनाह पर भी दस गुना आजर तो कम अज़ कम लेकिन नहीं अगर गुनाह करे तो फिर एक गुना लिखना और कुछ और हदीस में आते हैं कि वो भी छः घंटे के बाद लिखना कि अगर ये तायब के पलटे तो फिर फिर उसकी बख्शिश का मामला आसान और मुमकिन हो जाए तो ये उनमा का तरीक़ा उनको लिख दिया गया और ये बात याद रखिएगा कि हम जब जो भी इंसान न सुबह करता है और जब वो सुबह उठता है तो सुबह से उठने तक से लेकर रात के सोने तक हम में से हर एक अपने हर अमल अपने हर बात जुमले तरीक़े अदा अपनी हर सरगर्मी से इन करामन कातबीन कोई कॉन्टीन्यूस इमला करवा रहे हैं हम कॉन्टीन्यूस एक दे रहे हैं और वो हमारे एक एक अमल हमारे जेस्टर, हमारे बोलने चलने के अंदाज से लेकर हमारे बोलने पहनने की एक एक अदा को पेन डाउन कर रहे हैं लिखते चले जा रहे हैं टू द माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल उसको लिखते चले जा रहे हैं। और सारा दिन लिखते हैं अब जब एक दिन लिखा जाता है तो आज के दिन का सफा उलट दिया जाता है इसीलिए मैं बहुत दफ़ा ये दरख्वास्त भी करती हूँ और ये तजवीज़ भी दिया करती हूँ कि आज के दिन के सफ़े के उल्टे जाने से पहले रोज़ रात को अपना महासबा करके सोया करें रोज रात को आज का सफ़ाई खस्ती उल्टे जाने से पहले आज के दिन में जो कमियाँ कुताहियाँ सुस्तियाँ काहलियाँ नाफरमानियां सरकशियाँ ट्रांसक्रेशन हुईं आज की बख्शिशें करके आज का सफाई खस्ती का अमालमा साफ करके सोया करें हदीस में आता है ना कि कामयाब हो गया वो शख्स जिसका आने वाला कल उसके गुजरे हुए कल से बेहतर हो गया और ये इसतफ़ार और तोबई की बुनियाद पर असलाह की वजह से होता है और फिर रोज़ के दिन एक एक सफ़ा एक एक सफ़ा रोज का उल्टा जाता है करामन का तबीन लिखते चले जाते हैं हती के एक दिन मलिकुल मौत आ जाता है फिर ड्यूटीज़ बदल जाती हैं करामन का तबीन की ड्यूटी ख़त्म मौत की ड्यूटी शुरू अब करामन का तबीन अब किताब को बंद कर देते हैं यह नामा यामाल या इली जीन में पहुँचता है या सिंहन में पहुँचता है ये बंद रहेगा कब तक एसानफ़ाफिस सूर के फूंकने के बाद जब बंदा अल्लाह के खजूर खासिर होगा तो फिर ये नामाया माल खुलेगा ये नामाया माल खुलेगा पढ़ आज तू अपना हिसाब लेने के लिए काफ़ी है और जब वो पढ़ेगा तो क़ुरान कहता है कि यह शख्स कहेगा ये कैसी किताब है ये कैसी किताब है कि इसने मेरा कोई छोटा बड़ा छोड़ा ही नहीं फिर ये तुलेगा फिर सीधे हाथ या बाएं हाथ में थमाया जाएगा ये है नख नू नख और क्या लिखा जा रहा है सिर्फ अमाल नहीं लिखे जा रहे वह आसारा हम जो तुम असरात मुरतब करते हो जो इम्प्रेंट्स जो इम्प्रेशन मुरतब करते हो वो भी आह ना रिकॉर्ड हो रहे इलम आसरियात हैं द नॉलेज ऑफ स्टिक्स अल्लाह स्टिकली टाइम डेट ड्यूरेशन अमाउंट क्वान्टिट्टी सबके साथ हमारे जो असरात मुरतब हो रहे हैं उनको भी लिखा जा रहा है उनको भी रिकॉर्ड और सेव किया जा रहा है कौन कौन से असरात हैं हमारे रूहानी असर हैं जो हम अपने माहौल में अपने मातहतों पर जेरदस्तों पे अपने औलादों पे वो लोग जो हमारे अंडर इन्फ्लुएंस है ना हम उनके ऊपर जो अपने असर मुरतब करते हैं ये हमारे रूहानी हमारे शख्सियती असरत हैं ज़हनी असरत हैं और फिर हमारे जिसमानी असरत हैं हमारे हमारे शख्सी असरात मुरतब होते हैं ना मसलन आप देखें कि एक माँ एक माँ बदजबान है बद अख्लाक है बदतमीज़ है मेहमान नवाजी में कमी करती है शहर की ना नश्री करती है ससुराल के साथ बदजबानी और चिड़चिड़ापन शो करती है अब ये बिहेवियर देख रही है उसकी बेटी भी ऑब्ज़र्व कर रही है माँ नमाज में सुस्ती काहली करती है ये सारे बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स असरात मुरतब कर रहे हैं उसकी बेटी पर माँ फौत हो गई मां कबर में चली गई बेटी बद अखलाकी कर रही है बेटी बदजबानी कर रही है बेटी शोहर को ताने तिशने दे रही है ससुराल के साथ मेहमान नवाजी में कमी कर रही है झूठ बोल रही है नमाजों में सुस्ती ये क्या है ये असरात मुरतब किए जाते हैं इसी की वजह से गुनाह जारी या का तस्वूर है बाप झूठ बोलता है बाप जु जुव, जुआ खेलता है शराब पीता है बाप रिश्वत लेता है बेटा भी राशि बेटा भी झूठा ये असरात मरतब किए गए माँ नमाजी है माँ तहजद गुजार है माँ खिदमत गुजार है माँ दर्द दिल का मामला रखती है औलाद भी ऐसी है बाप नमाजी है बाप बारिश है बाप रिसके हलाल कमाता है ये औलाद असरा मुरतब है यही औलाद सदकाई रही है ये हमारे ये हमारे रूहानी असरात और फिर हमारे जिस्मानी असरात भी रिकॉर्ड है हमारे जिस्मानी असरात हमारे जिस्मानी आप देखें कि हमारे फिंगरप्रिंट्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं ना आज पुलिस जो है ना वो फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट करती है आलाए कत्ल के ऊपर पिस्टल के ऊपर फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट करके कातिल का पता चल जाता है अल्लाह सुबहाना ताला की वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे फिंगरप्रिंट्स एक शख्स है वो शराब के प्याले को थामता है एक शख्स है कलम पढ़ के सूद की दस्तावेज़ को लिखता है उसके हाथों के नक्श रिकॉर्ड हो रहे हैं एक शख्स है क़रआन को थामता है एक शख्स कलम को थाम के हदीस की हदीस के अलफा को लिखता है एक शख्स अपने स्टेयरिंग व्हील को एक खातून पकड़ती है कुरान की तालीम की तरफ जाने के लिए ये हाथों के असरा रिकॉर्ड हो रहे हैं फुट प्रिंट्स रिकॉर्ड होते हैं होते कि नहीं होते वो वो चोरी चोर करता है तो उसके पाँव का खुरा जो है वो खोजी निकालते हैं कि नहीं निकालते मुश्किन मक् नबी के वो खुरे निकालते निकालते नक्शे कदम ट्रेस करते करते गहरे सौर तक पहुँचे थे कि नहीं पहुँचे अल्लाह भी फुट रिकॉर्ड करता है वो वो जो कतल के लिए गया वो जो जिना के लिए चल के गया वो जो किसी महफिल में नाचने गाने का अहतमाम करता रहा उसके पाँव के निशान रिकॉर्ड किए जाते हैं वो जो हदीस कहती है ना जो मस्जिद की तरफ चल के जाता है हर कदम पर दस नकियाँ दस गुनाहों की बख्शिशें दस रहमतें दस बरकतें फुट प्रिंट्स रिकॉर्ड होते हैं माँ बाप के घर जाओगे तो यही फ़ुट प्रिंट्स रिकॉर्ड होते हैं मोमिन मोमिन की आदत के लिए जाता है तो फिर यही अजर फुट प्रिंट्स रिकॉर्ड होते हैं ये वो फुटप्रिंट्स हैं और फिर हमारे सौती असरात हमारे साउंड इफेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं आज हमारे पास बेस्ट रिकॉर्डिंग डिवाइज हैं हमारे मोबाइल्स के अंदर साउंड रिकॉर्डर्स हैं हमारे पास कितनी और साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइज हैं अल्लाह की बेहतरीन साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइेज हैं सब कुछ रीप्ले होगा किसी शख्स ने झूठ बोला किसी ने चुगली ख़ीबत की अल्लाह सुबहाना क़यामत के दिन पूछेगा अल्लाह महासिबना ख़िस्सा बी झूठ बोलती थी अपनी बेटी के साथ अपने कमरे की तन्हाई में बैठ के अपनी बहू की चुगलियाँ चुगलियाँबतें करती थी नहीं नहीं अल्लाह मैंने ये नहीं किया था साउंड रीप्ले करता हूँ सब कुछ रिकॉर्डेड है स्टिटिस्टिकली टू द माइन्यूट ऑफ डिटेल्स रिकॉर्डेड है वो जो क़ुरान पढ़ के सुनता सुनाता था वो जो किसी दुखी को अच्छे मशवरे देता था जो दिलजोई करता था एवरी थिंग इज़ बिंग रिकॉर्डेड साउंड रिकॉर्डेड है अल्लाह कहता है मा यल्फिजो मिन कौलिन फिज़ो मिनकाउली रकीबोन तुम्हारी जबान से जो लफ्स निकलता है उसको हज़ार बड़े हाजिर बाश निगरान फरिश्ते लेने वाले हैं हमारे विजुअल इफ़ेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं आज हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल से करते हैं कैमरा से करते हैं बेहतरीन वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं वो कहते हैं कैमरे की आंख तुम्हें देख रही है सारी विजुअल रिकॉर्डिंग्स जो जहां जैसे काम है वो रीप्ले हो जाएंगे अरे आज के स्कैनर्स मेरा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आज हम अपनी ब्रेन की रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं आज हम ई e -E के साथ ब्रेन रिकॉर्डिंग्स करते हैं इसी e चीज़ के साथ हार्ट की रिकॉर्डिंग्स करते हैं मेरा रब अलीम्बात सदूर दिलों के अंदर आने वाले राजों को भी जानता है एवरी थिंग इज़ बींग रिकॉर्डेड और सारे का सारा कुछ अल्लाह के हुक्म से रीप्ले होने पर कतिर है अल्लाह तकवा तकवाता फ़रमा इन अल्लाह काना अलैकुम रकीबा अल्लाह तुम पर निगरान है इसका एहसास कौफिक खुदा और परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी फरमा अल्लाह तन्हाई के गुनाहों से भी बचा तो अल्लाह ने फरमाया ये सब कुछ हम लिखते जा रहे हैं सब कर रहे हैं हर एक को हमने खुली किताब में दर्ज किया है आयत नंबर दो में अब अकीदा रसालत को मजबूत किया जा रहा है उन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्ता सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए थे हमने उनकी तरफ़ दो रसूल भेजे थे अब टाइम्स जब दो दो नबी एट अ टाइम थे तीन तीन भी एट अ टाइम थे उन्होंने दोनों को ही जुटला दिया फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ़ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ भी नहीं हो मगर हम जैसे कुछ इंसान और खुदाए रहमान ने हरगिज़ कोई चीज़ नाजिल नहीं कि तुम महज झूठ बोलते हो रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम जरूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवाय कोई जिम्मेदारी नहीं बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए फ़ाल बद समझते हैं अगर तुम बाज़ ना आए ना तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारी फ़ाले बद तो तुम्हारे अपने साथ लगी है क्या तुम ये बात इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई है असल बात यह तुम हद से गुजरे हुए लोगों इतने में शहर के दूर दराज गोशे से एक शख्स दौड़ता हुआ बोला इसने ईमान बिर रसूल की दावत दी ना इसने कहा है मेरी कौम के लोगों रसूलों की पैरवी इख्तियार कर लो पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते ठीक रास्ते पर हैं आखिर क्यों ना मैं उस सस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सबको पलटाया जाएगा क्या मैं उसको छोड़ कर दूसरे महबूत बना लूँ हालाँकि अगर खुदाए रहमान मुझे नुकसान पहुँचाना चाहे तो ना उनकी शिफात मेरे काम आ सकती है और ना ही वो मुझे छोड़ा सकती है कोई आप देखें कि रकू नंबर दो में अकेदा रसालत को सही किया जा रहा है ईमान बिर रसुल की तजदीद करवाई जा रही है दूसरा सवाल कौन सा था तुम्हारा रसूल कौन है उस सवाल की तैयारी और फिर यहाँ पे अकीद सिफ़ारिश या अदा शिफात की भी तस्दी कराई जा रही है कि अगर तुम मन घड़त अकैदा सिफ़ारिश रखते हो ना तो याद रखना सिफ़ारिश कौन करेगा किसकी करेगा कब करेगा किस मामले में करेगा किस हद तक करेगा ये सब अल्लाह के हुक्म से है जो आयतुल कुर्सी में भी आता है ना मंजल नज़ी यशफ़ा आईंदा हु बेज़ ने या बैना तो इस मौत से पहले ज़िंदगी की मोलत में अकीदा रसालत को भी दुरुस्त कर दिया और अकीद शफात का भी सही तस्वुर समझा दिया अगर मैं ऐसा करूंगा तो शरीक गुमराही में मुबला हूँ और मैं तो तुम्हारे रब पर ही मान लाया हूँ तुम भी मेरी बात मान लो आखिरकार उन लोगों ने इसकी इसको कत्ल कर दिया और इसे कह दिया गया दाखिल हो जा जन्नत में उसने कहा काश मेरी कौम को मालूम होता मेरे रब ने किस चीज़ की बदौलत मेरी बख्शिश कर दी और मुझे बाज़्ज़त लोगों में शामिल किया हदीस में आता है कि शख्स ने ज़िंदा रहकर भी अपनी कौम की खैर खाही की और मर के भी अपनी कौम की खैर खाही की इसके बाद उसकी कॉम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा किसने जिन्होंने ईमान वरसूल का इनकार किया था हमें लश्कर भेजने की हाजत नहीं थी बस एक धमाका हुआ और अचानक वो सब के सब बुझ के रह गए अफसोस बंदों के हाल पर जो रसूल भी उनके पास आया वो उसका मजाक ही उड़ाते रहे क्या उन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले कितनी कौमों को हम हल्क कर चुके हैं और इसके बाद वो फिर कभी उनकी तरफ ना पलट कर आए उन सब को हम एक रोज हमारे सामने हाजिर किया जाने वाला है इसके बाद फिर अल्लाह सुवाना ताली अपनी नेमतों का तस्करा कर रहे हैं ताकि हर शख्स को उसकी मोलत अमल में जितनी नियमतें वो शुक्र जिक्र और अल्लाह की अताद की तरफ़ माय लो उन लोगों के लिए बेजान ज़मीन में निशानी है हमने उसको ज़िंदगी बख्शी उससे गला निकाला जिसे ये खाते हैं हमने इसमें खजूरों अंगूरों के बाग़ पैदा किए उसके अंदर चश्मे फोड़ निकाले ताकि इससे फल खाएँ ये सब कुछ इनके अपने हाथों का तो पैदा किया हुआ नहीं है फिर क्या ये शुक्र नहीं करते पाक है वज़ा जिसने जुमला एक्साम के जोड़े पैदा किए हां वो ज़मीन के नबातात में से हों या उनकी अपने जिन्स में से और या उन नशिया में से जिनको ये नहीं जानते उनके लिए एक और निशानी रात है हम उसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो अंधेरा छा जाता है सूरज वो अपने ठिकाने के तरफ चला जा रहा है ये ज़बरदस्त अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है और चाँद उसके लिए हमने मंजिलें मुकर कर दी हैं यहाँ तक कि उनसे गुजरता हुआ खजूर की सूखी हुई शाख की तरह रह जाता है ना सूरज के बस में है कि वो चांद को जहाँ पकड़े और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती हैं सब एक एक फलक में तैर रहे हैं अल्लाह जुबाना ताली इस मिसाल के ज़रिए हर वो शख्स जिसके पास ज़िंदगी की अमल है उसको क्या समझा रहा है देखो सारी कायन की सारी मखलूक़ के लिए हर एक के लिए उसका अपना अपना दायरा कार है हर कायनत की मखलूक अपने अपने फलक में तैर रही है तो तुम्हारी भी ज़िंदगी के अपने अपने दायरा कार हैं तुम्हारे भी अपने अपने सफ़ेयर्स एंड सर्कल्स ऑफ लाइफ हैं तो तुम तुम देखो कि सूरज गरूब होता है तो चाँद आ जाता है फिर उसके बाद सूरज तलू भी होता है तो गरूब भी होता है चाँद तलू होता है तो गरूब भी होता है दिन के बाद रात भी आती है तो हालतें एक जैसी नहीं होती कायनत में सारी मखलूक सफ़र में है एक के बाद दूसरी हालत बदल रही है तो फिर तुम्हारी हालतें अगर दुनिया की ज़िंदगी में वलादत के बाद तुम्हारा बचपन फिर तुम्हारी जवानी फिर तुम्हारा मौत और फिर तुम्हारी ज़िंदगी के बाद अगले मराहल चलते रहेंगे जिंदगी के बाद मौत है मौत के बाद अदम है ये हालतें चलती रहेंगी दुनिया के बाद आख़रत है सज़ा के साथ जजा है जन्नत के साथ जखन्नुमुम में ये सारे तसव्वुरात जो हैं वो दुनिया की ज़िंदगी में अमल में सिखाती है सूरा यासिन उनके लिए ये भी निशानी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई किश्ती में सवार कर दिया और फिर उनके लिए वैसी किश्तियाँ और पैदा कर दी जिन पर ये सवार होते हैं हम चाहें तो उनको हर कर दें कोई उनकी फ़रियाद सुनने वाला ना हो और किसी तरह ये बचाए ना जा सकें बस हमारी रहमत ही है जो उनको पार लगाती है और एक वक्त ख़ास तक ज़िंदगी से मतमद होने का मौका देती है आयत क्या समझा रही है कि तुम्हारी ज़िंदगी की नाव भी डोल रही है अगर चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी की नाव भी सिरे पे लग जाए पार चढ़ जाए तो अल्लाह से अल्लाह की रहमत मांग लो अल्लाह की रहमत के बगैर किसी की ज़िंदगी की नैया किनारे पर नहीं पहुंच सकती मौत से पहले की दुआ जो नबी अलैहि वसल्लम ने भी सिखाई मौत से पहले अल्लाह से अल्लाह की रहमत और बख्श शीश मांगने की दुआ रब फिर हम व अन तिरकमीन यही चीज़ है जो ये आयत सिखा रही है अपनी डोलती हुई नैया को पार लगाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी को जन्नत में दाखिल करना चाहते हो तो अल्लाह से अल्लाह की रहमत भी मांगो और उसे बख्शिश भी मांगो इन लोगों से कहा जाता है कि बचो से अनजाम से जो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं जो तुम्हारे आगे है और तुमसे पीछे गुजर चुका है शायद ही कि तुम पर रहम किया जाए तो सुने अनसुनी कर देते हैं उनके सामने रब की आयात में जो भी आयत आती है उसके ऊपर अल्तफात और तवज्जो नहीं करते और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिस् दिया उसमें से कुछ खर्च करो तो ये लोग जिन्होंने कुफ़र किया है ईमान लाने वालों से जवाब देते हैं क्या हम उनको खिलाएं जिन्हें अल्लाह ख़ुद चाहता तो खिला देता तुम तो बिल्कुल बहक गए आयत क्या सिखा रही है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हालत नज़ाम में जो मुबतला शख्स है उसको तो सुझा रही है हम सब को मुलते अमल में सुझा रही है कि मौत से पहले पहले सफ़र अदम में रुखसत होने से पहले पहले अल्लाह की दीवी नेमतों को खर्च करो जन्नत के घर के कसूल के लिए जन्नत के घर की कीमत अदा करने के लिए ज़िंदगी की अमल में खर्च करो वही जो अल्लाह सूर्य बकरा में फरमाता है या युना आमनु अनफिकु अनफिकम्मा रजक नाकुमिन कबलीतिया यौमला बई उनफी ही वला खलत वला शिफात वल काफ्रनामज वाल मौत के वक्त से पहले खर्च करो उस वक्त से पहले खर्च करो जब ना कोई दोस्ती होगी ना सिफारिश होगी और ना उस नवाजी होगी और अगर तुम खर्च करने का इनकार करते हो तो तुम खुद ही बड़े जालिम हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो फ़रमाया ना खर्च करो खर्च करो उस वक्त से पहले जब जान लबों पे आ जाए और उस वक्त तुम कहने लगो ये माल फलां को दो ये फलां को दो इब्न आदम ये माल उस वक़्त तेरा नहीं है ये माल उस वक़्त तेरे वारिस का है हदीस बताती है कि खर्च करो तुम्हारे माल में से तुम्हारा माल वो है जो तुमने खा के उड़ा दिया जो तुमने पहन के पुराना कर दिया या जो तुमने अल्लाह के राम में खर्च करके अपने लिए सदकाए जारिया बना दिया तो सूरा यासीन के ये आयत हमें दुनिया की मोलत में सफर अदम के लिए खर्च करने की तरफ माइल कर रही है ताकि हम उम्मत के फकीर न बन जाए ये लोग कहते हैं क़यामत की घड़ी धमकी कब पूरी होगी बताओ अगर तुम सच्चे हो दरअसल ये जिस चीज की रात तक रहे हैं वो तो बस एक धमाका है जो यका यक उन्हें एन उस हालत में धर लेगा जब ये झगड़ रहे होंगे और उस वक्त उन्हें ये वसीयत भी नहीं कर सकेंगे ना अपने घरों को पलट सकेंगे आयत क्या पैगाम दे रही है कि अपने मरने से पहले पहले दुनिया की मोलत में वसीयतें अगर करनी है तो अपने माल पर वसीयतें कर लो एक तिहाई माल पर वसीयत की इजाज़त है रसोल्ला वम ने फ़रमाया जिस शख्स ने अपने माल पर कुछ वसीयत करनी है तीन दिन तीन रातें इस हाल में ना गुजरें कि वो वसीयत उसके पास लिखी हुई मौजूद हो तो ये सफर सफ़रेदम की तैयारी के लिए हर साहिब माल को ये आयत वसीयत की याद दिखानी कर रही फिर अगला सफ़र सूर फूका जाएगा या, या कि अपने रब के खजूर अपनी कब्रों से निकल उठेंगे घबरा के कहेंगे अरे किसने हमें ख़्वाब गाहों से उठाया ये कौन कहेंगे वो जिन्होंने तीनों सवालों का जवाब दे दिया था ना और फिर फरिश्ते ने कहा था तू सो जा नई ब्याही हुई दुल्हन के लिए और उसको जन्नत का लिबास और जन्नत का बिछौना और जन्नत की खिड़की ये सो जाएगा और फिर हदीस में आते उसको सुबह शाम दो दफा जगा के उसका जन्नत का ठिकाना दिखाया जाएगा लेकिन ये कब्र में आराम से अपनी नींद पूरी करेगा सूर के फूके जाने पर उठेगा तो उस वक्त ये अल्फाज कहेगा तो वो क्या बोलेगा ये तो वही चीज़ है जिसका खुदा रहमान ने वादा किया था रसूलों की बात सच्ची थी एक जोर की आवाज़ होगी और सब हमारे खजूर हाजिर हो जाएंगे अब अगला सफ़र और उसका नज़ारा आज किसी पर ज़रा बराबर ज़ुल्म नहीं होगा और तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे तुम अमल करते थे आज जन्नती मजे में मशगूल हैं अपनी बीवियाँ उनकी बीवियाँ घने सायों में हैं मसनतों पर तकिए लगाए हैं हर किस्म की लजीज चीज़ें खाने पीने को वहाँ मौजूद हैं जो कुछ वो तलब करेंगे उनके लिए हाजिर है रब रहीम की तरफ से उनको सलाम है ये तो उनका अंजाम और क्या ए मुजरमों किसके मुजरम है अल्लाह के मुजरम है ना तुम छट के अलग हो जाओ आदम के बच्चों मैंने तुम्हें हदायत नहीं की थी कि शैतान की बंदगी ना करो वो तुम्हारा खुला दुश्मन है मेरी बंदगी करो ये सही तरीका है मगर इसके बावजूद उसमें कसीर गुरु को मुराह कर दिया क्या तुम अकल नहीं रखते हो ये वही जहन्नुम है जिससे तुम्हें डराया जाता था जो तुफर तुमने दुनिया में किया अब उसकी पादाश में उसका ईंधन बनोर नाम आज हम उनके मुंह बंद किए देते हैं अस्तफर उनके हाथ हमसे बोलेंगे उनके पाँव गँवाकी देंगे कि ये दुनिया में क्या गंवाकी करते थे अब वो जो अमाल नामा खुलेगा ना लकजे तुमोना फुरा था तुम अकेली आ गई वो अमाल नामा खुलेगा और वह कहेगा यह कैसी ने बड़ा छोटा नहीं छोड़ा और कहा जाएगा पढ़ तू अपना हिसाब लेने के लिए खुद ही काफ़ी है फिर उससे सवाल जवाब वो अपने हीले बहाने जवास फिर मुंह बंद कर दिया जाएगा फिर ज़बान बंदी होगी और फिर हाथों पाँवों को वो जो नामा या माल है ना उसकी गवाही के लिए उसको गोयाई दी जाएगी और फिर कुरान में आता है कि ये शख्स कहेगा तुम कैसे बोल रहे हो मेरे खिलाफ तो ये गवाही ये कुत गोयाई इन गवाहीियों के लिए दी जाएगी हम चाहें तो उनकी आंखें मूं दें फिर ये रास्ते की तरफ लपक कर देखें कहाँ से उन्हें रास्ता सुझाई दे हम चाहें तो उन्हें जगह ही पर मस्क करके खड़ा कर दें ना आके चल सकें ना पीछे पलट सकें अब मौत के वक्त क्या होता है या ज़िंदगी में भी क्या होता है लंबी उम्र की ख्वाहिश होती है ना तो अल्लाह कह रहे हैं जिसको हम लंबी उम्र देते हैं उसकी तो हम साख्त को ही उलट देते हैं क्या ये हालत देख कर अकल नहीं आती वाकई बुढ़ापे में इंसान फिर बच्चों का सा हो जाता है ना ताक़त भी कम हो जाती है ना बोल सकता है ना सुन सकता है ना समझ सकता है ना चल सकता है ना खा सकता है तो अल्लाह कह रहे लंबी उम्र मांगते उसमें तो साख ही उलट जाती हमने इस नबी को शेर नहीं सिखाया और ना शा, शायरी उसको जेब है ये तो नसीहत और साफ पढ़ी जाने वाली किताब ताकि वो हर उस शख्स को ख़बरदार कर दे जो ज़िंदा हो और इनकार करने वालों पर हजत हो क्या ये लोग देखते नहीं हैं हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों में उनके लिए मवेशी पैदा किए अब फिर ये माइल किया जा रहा है देखो दुनिया में अल्लाह की कितनी नियमतों को इस्तेमाल करके हो हम उन्हें उनके इस तरह बस में कर दिया कि उनमें से किसी पर सवार होते हैं किसी का गोश्त खाते हैं और उनके अंदर उनके लिए तरह तरह के फ़वाद और मशरूबात हैं क्या ये शुक्र नहीं करते ये सब कुछ होता ने अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा बना लिए और ये उम्मीद रखते हैं कि उनकी मदद की जाएगी और वो उनकी मदद नहीं कर सकते बल्कि ये लोग उल्टे उनके हाजिर बाश लश्कर हैं अच्छा जो बातें ये बना रहे हैं वो तुम्हें रंजीदा ना करें उनकी छुपी खुली सब बातों को हम जानते हैं क्या इंसान देखता नहीं है कि हमने उसको नुतफ़े से पैदा किया मौत के वक्त पैदाइश का तस्करा आगाज़ के वक़्त इब्तदा का तस्करा हमने नुतवे से पैदा किया और फिर वो झगड़ालू लू बन के खड़ा हो गया अब वो हम पर मिसालें चपा करते हैं अपनी पैदाइश को भूल जाता है कहता है कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जब यह बोसीधा होंगी उनसे कहो वही जिंदा करेगा जिसने पहले पैदा किया था वह तख्लीक का हर काम जानता है वही है जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा की और तुमने उससे तुम उससे चूल्हे रोशन करते हो आयत बहुत एक साइंटिफिक सी आयत है एक तो ये कि आपको मालूम है कि पुराने ज़माने में दिया सिलाई और ये मैच स्टिक्स वगैरह आग के लिए नहीं होती थी तो वो जैसे फ्लिंट स्टोन्स होते थे ना रगड़ के उनसे आग बनती थी वैसे ये दो दरख्त थे मरख और आफ़ार इनका नाम था और इनकी शाखों को जब आपस में रगड़ा जाता था तो वो स्पार्क सो लेते और वो शोला सा निकलता था जिससे वो आग जलाते थे और दूसरा वो साइंसी हकीकत भी है इस आयत में कि अल्लाह सुबहाना ताली फरमाते हैं कि हरे भरे दरख्त से आग जलाते आपको पता है ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये आज हमें बायोलॉजिकल साइंस बताती हैं ना कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर वो एक मादा है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और जब इस पर सूरज की रोशनी और तोनाई और हरारत पड़ती है तो वो क्लोरोफिल उस सारी एनर्जी और लाइट को ट्रैप करके फूड एनर्जी में चेंज कर देती है और इसको दूसरे दूसरे जानवर खाते हैं और फिर इंसान खाते हैं इंसान जानवरों को भी खाते हैं और नबत्त को भी खाते हैं तो सारी जीरो मखलूकी एनर्जी का सोर्स कौन होते हैं वो सोलर एनर्जी जो ये ग्री

प्लांट्स की क्लोरोफिल के जरिए वो एनर्जी के सोस क्रिएट करता है तो उसका अल्लाह तस्करा करता है क्या वो जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया इस पर क़ादिर नहीं है कि इन जैसों को पैदा कर सके क्यों नहीं जब वो माहिर खल है जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो क्या कहता है यक़ूल कन फ़ा वो कून कन कहता है और बस वो हो जाती है पाक है वो ज़ात जिसके हार जिसके हाथ में हर चीज़ का मुकम्मल इकतदार है और उस ही की तरफ तुम पलटाए जाओगे अल्लाह सुबहान तसिन पढ़ने की तूने ने तोफी क़ा फरमा दी इलाही हमें अकैद तोहद में अक़ीद रसालत में अक़ीद आखरत में अल्लाह हमें पुख्तगी अता फ़रमा ईमान बिल्लामान बिलसुल ईमान आखरा में हमें सलामती और सबितदमी अता फ़रमा अल्लाह सुबहाना तला तोहद पर जमने की तोफ़ीक अता फ़रमा अल्ला शिरक से बचना आसान कर दे अल्लाह नबी मह सल्ला वसलम की पक् की सच्ची मोहब्बत अता फरमा अल्लाह मोहब्बत के तकाज़े निभाने की तोफ़ीक अता फ़रमा नबी मेहरबा सल्ला वसलम की सुन्नत की इतबा करने वाला बना अल्लाह फिक्र आखरत से आशना कर दे अल्लाह फिक्र आखरत से आशना कर दे अल्लाह सफ़र आदम की तैयारी की तोफ़ी कताफ़रमा अल्लाह वो सफ़र लम्बा है ज़्यादा राग कलील है अल्लाह इससे आशना कर दे अल्लाह सुबहान मौत की बेहोशियों में हमारा मुआविन बन जाना अल्लाह हम ने अला गारा दिल्मा उतव दिल मौत अल्लाह खात्मा बिल ईमान खात्मा बिल इस्लाम फरमाना अल्लाह मौत के वक्त अल्लाह मौत के वक्त अल्लाह खूबसूरत चेहरे वाले वो फ़रिश्ते खुशबूदार रेशम का रुमालता फ़रमाना अल्लाहआ आन सति कबरी अल्लाह आन सति हशरी रबना अज़ाबल आज़ाबुलबरी वकीना अज़ाबल हशरी, वकीना अज़ाबल मीज़ान, अल्लाह मीज़ान अदल जब खुलेगा नामाय माल जब तुलेगा, अल्लाह ज़िल्तों रसवाइयों से बच बचाना अल्लाह गमों परेशानियों से बचाना अल्लाह दुनिया में जिल्लतों से बचाया वहाँ भी जिल्लतों से बचाना अल्लाह दुनिया में ऐबों पे पर्दा डाल दिया अल्लाह वहाँ पे भी ऐबों पर्दा डाल देना अल्लाह हिसाब आसान लेना नामायामान सीधे हाथ में थमाना पुल सिरात पर नूर अता फ़रमाना इलाही हम सब को अगले पिछलों को अहले खाना कोल्ला जहन्नुम की आग से

अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी में इतने कुशाता इतने आराम दे, अल्लाह इतने रोशन घर दें अल्लाह क़ब्रों को रोशन कुशाता करना अल्लाह जन्नत के महलों में जगह अता फ़रमाना अल्लाह हम सब को अपने अगले पिछलों के साथ अल्लाह नबी अलैहि वसल्लम की हमसायगियाँ आता फ़रमाना अल्लाह हमने जन्नतुल जन्नतफिर जो मांगा है वो भी अता फ़रमा इस महफ़िल में जिस जिसके हक़ में जो जायज़ ख़वाहिश उसके हक़ में बेहतर अला की वो सब दुआएँ कबूल फ़रमा अल्लाह अपना करम फरमा और हम सब के हक़ में तमाम कुरानी और मसनू दुआएँ भी कबूल फ़रमा रब्बना तकबल में ना इन्ना का अंत समी तुब अलैना इन्ना का अंत तवाबीम आमीन सुमीन